Hello, good evening everyone, and welcome back to our excited new masterclass on Success Painter. So, जैसे इंडस्ट्री में अभी आप लोग को पता है कि जितना अभी रियलिस्टिक सब ये सब में बहुत जा रहा है, सो टेक्सचर एंड मटेरियल बहुत मैटर करता है और सब्सटेंस पेंटर आप लोगों को उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है और वो सीखने में भी बहुत ईजी है। सो आज हमारे लिए उनके साथ वो सीखने के लिए या उसके बारे में जानने के लिए हमारे पास हमारे आज एक्सपर्ट है मिस्टर विशाल काव जी। तो बहुत देर नहीं करते हुए मैं विशाल काव जी को बुलाना चाहता हूँ। सो वेलकम। हेलो, हाय चेतल, हाउ आर यू? हाय, आई फाइन। सो इज एवरीथिंग? एवरीथिंग इज ऑसम, ओनली द लॉकडाउन इज द ट्रबल, बट स्टिल थिंग्स आर वर्किंग, थिंग्स आर गोइंग ऑन। ओके, बट द बेस्ट थिंग यानी ये तो सब कुछ है ही, बट ये अच्छी बात है कि इन दिस कंडीशन भी हम लोग को सीखते रहना है और हम लोगों को सिखाते रहना है। सो हम लोग वो अप्रोच लेके ही चल रहे हैं कि कोई भी कंडीशन हो हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि एवरी सैटरडे हम लोग कुछ नया चीजें लेके आए। सो हम लोग कुछ फर्दर नहीं करते हुए स्टार्ट कर देते हैं, बिकॉज अभी आपके बारे में जानने के लिए स्टूडेंट यानी जो हमारे ऑडियंस है उनको सबको ऑलमोस्ट पता ही है क्योंकि हम लोग बहुत बार आ चुके हैं। सो आई फील दैट हम लोग मेन इस पे ही आ जाते हैं। सो आप कुछ बताइए सब्सटेंस पेंटर के बारे में। सो अभी सबसे पहला तो सब्सटेंस पेंटर और ये सब्सटेंस डिजाइनर और ये सारी चीजें क्यों ज्यादा लोग उनके बारे में हाइप कर रहे हैं और क्यों ये सारी चीजें अब ज्यादा यूज करने लगे हैं। आई विल स्टार्ट विद दैट फर्स्ट। हमारा एक पहले फर्स्ट वी यूज टू एक्चुअली टेक्सचर विद अ वेरी सिंपल पाइपलाइन, जहाँ पे टेक्सचर और मटेरियल ये बहुत सिंपल चीज़ें थी, इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें थी नहीं। जैसे जैसे ये रियलिज्म बढ़ना चालू हो गया, जैसे जैसे लोग बोलने लगे अरे नहीं हमको तो और ज़्यादा रियलिज्म चाहिए, और जैसे जैसे मशीन की स्ट्रेंथ बढ़ना चालू हो गया, लोग रियल टाइम पे आ गए कि नहीं हमको अभी रेंडर टाइम पे काम नहीं करना है, हमको अभी रियल टाइम में काम करना है, अनरियल जैसे सॉफ्टवेयर आ गए। सो हुआ ये इस रेवोल्यूशन में कि ड्यू टू ऑल ऑफ दीज थिंग्स सॉफ्टवेयर्स भी अपग्रेड होना शुरू हो गए। फोटोशॉप में जो जो कमियां थी, जैसे मैं टेक्सचर कर पा रहा था बट वो फोटोशॉप ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके अंदर टेक्सचरिंग वाज डन, इट वाज नॉट बिल्ड फॉर टेक्सचरिंग, तो उसमें भी फ्लॉज थे। जैसे ग्राफिक्स का काम भी, ग्राफिक्स के भी टूल्स थे उसके अंदर, वेब रिलेटेड टूल्स थे, इमेज मैनिपुलेशन रिलेटेड टूल्स थे, तो ये सारे टूल्स की जरूरत है या आर्टिस्ट को, या ये इतना सारा सीखने की जरूरत है या, तो ये सारी चीजों को निगलेक्ट करके या ये सारी चीजों को बाहर निकाल के एक सॉफ्टवेयर बनाया जिसका नाम है सब्सटेंस पेंटर। अभी होता यह है कि तुम नॉर्मली टेक्सचरिंग करते हो, तुम्हारे पास मॉडल होता है 3D में और तुम टेक्सचरिंग करते हो फोटोशॉप में और उसको बार बार चेक करते रहते हो, तो ये चीज, ये जो डीले है कि नो मुझे मॉडलिंग, मुझे माया में जाके चेक करना है, मुझे रेंडर बटन दबाना है, ये जो डीले था, ये डीले को हटाने का काम सब्सटेंस पेंटर ने किया। ये एक 2D कम 3D पैकेज है जिसके अंदर तुम टेक्सचरिंग भी कर सकते हो और वो टेक्सचर का रिजल्ट भी तुम देख सकते हो ऑन रियल टाइम, एज वेल एज उसमें तुम्हारे जो मटेरियल्स है वो मटेरियल्स भी तुम उसके अंदर लाइव व्यू पे देख सकते हो। इसके खुद के अच्छे अच्छे रेंडरिंग इंजिन भी है जिसके अंदर IRA सपोर्टेड है, उसका खुद का एक रियल टाइम रेंडरिंग इंजिन है। तो ये कुछ चीजें हैं जो तुम जो डायरेक्टली वहां पे कर सकते हो, एज वेल एज टेक्सचरिंग के लिए जो टूल्स थे, जो जैसे आप अगर फोटोशॉप देखोगे तो फोटोशॉप में ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे पास लेयर्स है, लेयर मास्क है या फिर कुछ वेक्टर चीजें हैं। पेंटर के अंदर तुम्हारे पास मास्क और ये सारी चीजें तो है, बट देन पेंटर को 3D ऑब्जेक्ट पे टेक्सचरिंग हो रहा है ये चीज भी उसको एक्चुअली पता है, तो टेक्सचरिंग बिकम्स वेरी इजी व्हेन इट कम्स टू पेंटर। एक छोटा सा चीज है कि ये थोड़ा सॉफ्टवेयर सीखने के लिए और ये जानने के लिए जो ट्रेडिशनल वे वॉज वेरी इजी, और ये जो वे है ये सीखने के लिए थोड़ा सा चीजों को अनलर्न करके वापस लर्न करना पड़ता है। सो दैट इज द ओनली ड्रॉबैक, बट रेस्ट ऑफ दिस थिंग स्पीकिंग सब्सटेंस पेंटर और ऐसे सॉफ्टवेयर ही अभी आएंगे फॉर टेक्सचरिंग। यही चीज शायद से अडोबी को पता चल गई कि नहीं अभी फोटोशॉप कम होने वाला है और लोग पेंटर की तरफ जाने वाले हैं, तो वो देख के अडोबी ने अभी एल्गोरिथमिक जो कंपनी था जिसने सब्सटेंस पेंटर और डिजाइनर बनाया वो पूरी कंपनी ही टेक ओवर कर ली। नाउ इट इज अडोबी पेंटर एंड अडोबी डिजाइनर। सो तो ये अगर अडोबी कर सकता है तो मतलब कुछ ना कुछ तो इन सॉफ्टवेयर में है। यस, डेफिनेटली। या सो एनीथिंग एल्स शीतल यू वांट टू
talk about? No, no, you are the expert, so no, I no, prefer that. any questions, anything, like as you will be also watching the webinar, और आप भी कुछ देखोगे तो आपको और कुछ है ऐसा कि ऐसा कुछ हो सकता है या वैसा कुछ हो सकता है, नो यू कैन आल्सो आस्क, क्योंकि मुझे जैसे पता है कि फोटोशॉप में हम लोग जब भी टेक्सचरिंग करते हैं, तो एक मुझे जो ड्रॉबैक लगता था दैट इज हम लोग पूरा फ्लैट हम लोग को करना पड़ता था, तो जो वॉल्यूम में वो कहाँ पे जाएगा कैसे जाएगा, जैसे आपने बताया कि विदाउट रेंडर हम लोग वो नहीं देख पाते, और वो पूरा प्रोसेस इधर जाओ उधर जाओ वापस करो, सो डेफिनेटली वो टाइम टेकिंग भी है, फ्रस्ट्रेटिंग भी होता है, जब कोई आर्टिस्ट अच्छा आर्टिस्ट होता है उसके लिए वो एक्चुअली फ्रस्ट्रेटिंग चीज होती है, टाइम टाइम जो, क्योंकि वो जितना फास्ट होता है सॉफ्टवेयर उसको सपोर्ट नहीं कर पाता है। That is the thing. और major part क्या होता है ना, आर्टिस्ट को अगर तुम टूल सिखाने जाओगे और बोलोगे अरे नहीं ये चीज हो सकती है बट इस चीज को करने के लिए ये 5 steps है, तो आर्टिस्ट है ना किधर ऐसा लगता है उसको यार ये मेरे से नहीं होगा, क्योंकि उसका काम क्या है कि एक चीज को ब्यूटीफाई करना, एक चीज का टेक्सचर बनाना, पर वो कर क्या रहा है, लेयर्स मैनेज कर रहा है, इधर 50 layers है, इधर इधर 5 layers है, वो लेयर्स में कुछ ऊपर नीचे हो रहा है, मुझे ट्रांसफॉर्म करने का जरूरत पड़ रहा है। ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि फोटोशॉप कंप्लीटली आउट है, फोटोशॉप में भी चीजें करनी पड़ती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सब्सटेंस के ऊपर ही सारी चीजें होती है, फोटोशॉप में भी कुछ सारी चीजें करनी पड़ती है, बट देन जो मेजर काम है टेक्सचरिंग का दैट सब्सटेंस कैन डू वेल नाउ। So yes. I feel without getting into yes. yeah, so now there is a few questions I'll like to address. Darshan is asking a question. So agar aap highlight karoge, yeah, is there a timeline? I mean classical animation. So now again Darshan, this is a complete texturing package. Animation aur ye sari cheeze isme hoti hi nahi. Okay. Na modeling hoti hai isme, na animation hota hai. It's not a 3D software. That is the reason it's like a small package. कि दर्शन का question ये था कि 3D timeline है इसमें क्या? So basically जैसे 3D packages में आपके पास timeline रहती है animation करने के लिए या classical animation करने के लिए, तो ऐसे कोई timeline इसके अंदर है नहीं, it is purely texturing tool. इसमें अगर आएगी future में या फिर होगी भी, but then you don't need to learn timelines into this. It is only for texturing, nothing else. Yes, definitely. Substance Painter versus Mari, Mohit Kumar. So yes. Substance Painter versus Mari, it is a big war going on right now. But then what I use or why I do Mari also, I do Painter also. Painter is specifically for games. So agar aapko games ke upar kuch karna hai, games ke relevant aapko cheez kar rahe ho, it is always better to work with Painter. There is a lot of things what are there which comes in handy when it comes to games with Painter. Mari on the other hand is very good when it comes to movie. Jab tumhare paas koi constraint nahi hai ki nahi mere paas koi 4K ya 6K ka image nahi hai, mujhe 32K ka image banana hai. Okay, imagine 32K I am speaking, okay, Mari supports it. Painter ko agar tum 32K doge na to Painter performance kaisa dega, I have never tried. But yes, if you have good machine and if you are working on Mari, you can paint on 32K. So that is what the best part of it is. And one more important part is जो यूडिम्स जो एक टाइप था, यूडिम करके एक चीज थी जो बहुत यूज हुई थी आफ्टर मेकिंग ऑफ अवतार। अवतार जब बना तभी अवतार बेसिकली मारी वॉज द मेन टेक्सचरिंग टूल दे यूज्ड, एंड द रीजन वाई दे यूज इट बिकॉज इट वॉज सपोर्टिंग दिस ह्यूज टेक्सचर पेज। आर्टिस्ट बैठ के 32K का टेक्सचर लेके पेंट कर सकता था उसके ऊपर, और उसका मेजर रीजन ये है कि अगर आप गॉडजिला मूवी देखोगे या अवतार मूवी देखोगे जहाँ पे बहुत बड़े क्रीचर्स बनाते हैं और वो दूर से भी दिखते हैं और एकदम क्लोजअप जाके भी दिखते हैं, तो ये चीजों के लिए मारी हैज अ गुड होल्ड। पेंटर ऑन द अदर हैंड लो पॉली बेकिंग ये सारी जो चीजें हैं ये पेंटर में बना के दी हुई है, तो यहाँ पे अगर तुम जैसे गेमिंग में हाई पॉली लो पॉली बेकिंग करके एक चीज होती है जो 3D Max में होती है या फिर जो मार्मोसेट में होती है या एक्स नॉर्मल में होती है, वो पेंटर में ऑलरेडी बना के दिया हुआ है, तो आपको किधर दूसरे जगह पे जाना नहीं है, वहीं पे बेक करना है, वहीं पे तुम्हारे पास नॉर्मल मैप आ जाएगा, हाई पॉली लो पॉली दिख जाएगा, तुमको टेक्सचरिंग वहां से शुरू करनी है तो टेक्सचरिंग भी उसके अंदर शुरू कर सकते हो। तो ये कुछ गुड्स एंड बैड्स है अबाउट बोथ द सॉफ्टवेयर्स, बट आज इफ यू आर इन फिल्म इंडस्ट्री देन मारी इज समथिंग विच यू शुड गो अहेड विद, एंड इफ यू आर इन टू अ गेम इंडस्ट्री देन पेंटर इज समथिंग विच विल हेल्प यू। बट देन ऐसा नहीं है कि ये स्ट्रिक्ट रूल है, मारी गेम्स में भी यूज होता है, पेंटर गेम्स में भी मूवीज में भी यूज होता है, वाइस वर्सा चलते रहता है। Okay. One more question. Substance में जो सारे मैप्स रहते हैं उन सबको एक में
करते हैं या अलग अलग? अभी सब्सटेंस में जो सारे मैप्स आते हैं, नाउ इट डिपेंड्स ऑन टोटली योर पाइपलाइन, कि तुम्हारा पाइपलाइन क्या क्या कर रहा है। अभी जिस पाइपलाइन पे मैं काम करता हूँ वो मैं आज आपको दिखाऊंगा कि हाँ इसमें ये टेक्सचर्स में मिक्स करता हूँ और ये टेक्सचर्स में मिक्स नहीं करता हूँ। तो जो कलर है एल्बिडो जो है वो एज अ सिंगल जाता है, जो तुम्हारा स्पेक्यूलर है जो लीनियर कलर मैप्स है जो लीनियर में जाने वाले हैं या एक ही चैनल यूज करने वाले हैं वो हम कंप्रेस करके करते हैं। तो जिसके अंदर रेड चैनल विल गो, लेट्स से रफनेस में रेड चैनल में डालता हूँ, मेटलनेस में ग्रीन चैनल में डालता हूँ, मेरा एम्बिएंट ऑक्लूजन या हाइट मैप में ब्लू चैनल में डालता हूँ। तो ऐसा करके भी तुम कर सकते हो या फिर तुम एज सेपरेट सेपरेट मैप्स भी लेके जा सकते हो। बट आई वुड टेल यू वन थिंग ओवर हियर, अभी के लिए फॉर टुडेज सेशन आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू डोंट गेट इन टू दैट टेक्निकल स्टफ। जैसे मैंने तुमको बताया ये आर्टिस्टिक टूल है, हम लोग आर्ट के बारे में बात करेंगे, टेक्निकल चीजों के बारे में भी हम लोग लेंगे एक वेबिनार जहां पे आई विल गो डीप इनटू द टेक्निकल पार्ट। आई वांट यू गाइस टू यूज सब्सटेंस, टेक अ 3D मॉडल। ये 3D मॉडल भी मैं आपको शेयर करूंगा ड्यूरिंग द वेबिनार, मैं आपको एक ड्राइव लिंक या यूट्यूब के यही वेबिनार के जो कमेंट बॉक्स है उसके अंदर मैं एक ड्राइव लिंक अपडेट कर दूंगा जिसके अंदर आई विल कीप दैट 3D मॉडल ऑल्सो सो दैट यू कैन प्रैक्टिस। ओके, गो डर्टी ऑन इट एंड सी व्हाट सब्सटेंस कैन डू। टेक्निकल थिंग्स यस वी विल बी टॉकिंग अबाउट इट बट नॉट दैट मच फॉर टुडे। Okay, great. Any word on ZBrush? Yes. So ZBrush is वो time जो था ना कि जब एक ही software से पांच चीजें होती थी, वो time अब चला गया। मतलब we have to agree on that. We need to know all the softwares now. एक time था जब मैं Maya और ZBrush में बहुत सारी चीजें करता था। In fact मैंने बहुत सारी चीजें बनाई भी है और बहुत सारे इनफैक्ट कैरेक्टर्स ही नहीं, हार्ड सर्फेस भी मैंने टेक्सचर्स किए हुए ZBrush में जब पेंटर बहुत न्यू था। आई एम टॉकिंग अबाउट लेट 2011-2012 वो टाइम पे जब सब्सटेंस जस्ट इवॉल्व हो रहा था, तभी हमारे पास तो ZBrush था। तो वी यूज टू डू टेक्सचरिंग इन ZBrush, बट देन अब भी राइट नाउ करंट इंडस्ट्री इफ यू वॉन्ट टू मॉडल द बेस्ट पैकेज इज माया और मैक्स। इफ यू वॉन्ट टू डू इफेक्ट्स द बेस्ट पैकेज वुड बी हुडिनी और अनरियल। इफ यू वॉन्ट टू डू क्लॉथ देन मार्वलस डिजाइनर इज अ गुड पैकेज। इफ यू आर डूइंग टेक्सचरिंग मारी और Painter and Substance Designer is a good package. If you are lighting, then Katana is a good package. So, ऐसे करके पूरा world है ना shift हो गया है, जहाँ से जो अच्छा होता है वो हम लोग लेंगे और quality deliver करेंगे। Yes. जो मेरे artist को समझ में आता है मैं पहले उसके ऊपर ध्यान दूंगा। So that is what the world is now moving towards. And we need to, you know, be अभी मैं हर एक स्टूडेंट को या हर एक जितने भी लोग यहाँ पे मेरा वेबिनार देख रहे हैं सबको यही बोलूंगा कि अभी सॉफ्टवेयर का टाइम चला गया कि मैं ये सॉफ्टवेयर से ये कर सकता हूँ क्या, करके देखते हैं। वो टाइम चला गया अभी। अभी क्या है कि हाँ पैकेज बन चुके हैं, पेंटर है, मारी है, यूज करो। डोंट अभी मेरे अभी जो मैं पेंटर में करता हूँ या जो मैं डिजाइनर में करता हूँ, यू कांट यू वोंट बिलीव अनरियल इंजन में ये सालों से होता आ रहा है। मतलब जो लोग यहाँ पे अनरियल यूज किया रहेगा जितने लोगों ने, सब्सटेंस पेंटर और डिजाइनर ये दोनों के जो टूल्स है अनरियल में ऑलरेडी है बहुत पहले से। इनफैक्ट फोटोशॉप में भी वो टूल्स है, बट देन उनको एक बहुत सिंप्लीफाइड वे में सब्सटेंस पेंटर ने रखा हुआ है, तो वो तुम समझो। टेक्सचरिंग के लिए है तो 3D कैरेक्टर इंपोर्ट हो सकता है, राइट? यस, पूरा 3D पैकेज आप लेके जा सकते हो। एनिमेशन का प्रॉब्लम है, ओके, क्योंकि उसके अंदर टाइमलाइंस और ये सब अगर होगा भी तो आई हैव नॉट रिसर्च्ड इट, प्योरली आई हैव यूज्ड इट फॉर टेक्सचरिंग। सो 3D फाइल्स तुम्हारी जाती है, FBX जाता है, OBJ जाता है, ये सारी फाइल्स उसमें जाती है एंड यू कैन डू अ लॉट विद दोस फाइल्स। ओके, मे बी दर्शन थोड़ी देर में वो सब देखने को मिल ही जाएगा आपको। ओके, सो आई थिंक सो विदाउट गोइंग इनटू मोर डिटेल्स ऑन क्वेश्चन आंसर्स, डेफिनेटली वी विल सॉल्व देम। मेरे पोर्टफोलियो देख के आप कुछ बोल पाएंगे? ओके, सो ग्रेटी डेफिनेटली आप पोर्टफोलियो का लिंक आप कमेंट में डाल दीजिए, मेरा बैकएंड टीम उसको सेव करके रखेगा। एंड ऑल्सो प्लीज पुट योर ईमेल, सो और एल्स व्हाट आई विल डू इज आई विल जस्ट चेतल कैन यू ऐड माय ईमेल आईडी सो दैट यू कुड राइट अस, यू कैड यू नो जो भी आपका क्वेरीज है जो भी है, यू कैन ड्रॉप एन ईमेल ओवर हियर। आपका पोर्टफोलियो रहेगा जो भी रहेगा, जस्ट शेयर इट, वी विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू, नो वरीज ऑन दैट। दर्शन सोनी का एक क्वेश्चन है ZBrush से कंपेयर करे तो, सो इफ ZBrush से कंपेयर करे तो ZBrush और पेंटर तुम नहीं कंपेयर कर पाओगे,
बिकॉज जी ब्रश एक स्कल्पटिंग टूल है जिसके अंदर स्कल्पटिंग होती है, तो आपको अगर स्कल्पटिंग करनी है, हैवी ड्यूटी एसेट के ऊपर मॉडल करना है, वर्टेक्सेस चेंज करने हैं, पिक्सल पे काम करना है, जी ब्रश इज अ गुड पैकेज। अगर तुमको टेक्सचरिंग करनी है तो तुमको पेंटर में ही आना पड़ेगा। जी ब्रश का जो रियल टाइम रेंडरिंग सिनारियो है वो आप पेंटर के साथ कंपेयर नहीं कर पाओगे, इट इज लिटरली क्रेजी। लाइक आप आज अगर देखोगे ना आप, तो आपको समझ में आएगा कि पेंटर में क्या क्या हो सकता है। ओके, सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट दैट अलॉट। ओके, माई ईमेल आई डी इज ओवर हियर, इफ यू कुड नोट डाउन एंड यू कैन राइट मी अ मेल, आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू। ओके, सो आई थिंक सो लेट्स डिग इन टू सब्सटेंस। इसके बाद जो क्वेश्चन आएंगे दैट विल बी मोर प्रिसाइज। यस, फोटोग्राफर का एक क्वेश्चन है, वी नीड टू टेक दैट ऑल्सो। यस, विच सॉफ्टवेयर इज बेटर फॉर लाइटिंग एंड वॉट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज की शॉट। सो फर्स्ट थिंग, लाइटिंग के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर बेटर है? लाइटिंग के लिए डिपेंड्स ऑन योर वर्क, लाइक वॉट इज द वर्क। अभी मैं अगर इसको तीन कैटेगरीज में डालता हूँ, वन इज योर प्रोडक्ट दैट कंपेयर्स, वो प्रोडक्ट में आता है तुम्हारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, तुम्हारा आर्किटेक्चुरल विजुअलाइजेशन, तुम्हारा बीम रिलेटेड सॉफ्ट चीजें, इन सब चीजों के लिए जो लाइटिंग इंजन है दैट इज वीरे, व्हाट आई वुड सजेस्ट यू गाइस, कि वीरे तुम लोग अगर आता है तो वीरे के अंदर आप बहुत सारा बहुत अच्छा कुछ कर सकते हो इन स्ट्रीम्स में। फिल्म्स के लिए अगर तुम आ रहे हो तो कटाना, और कटाना के साथ अभी कटाना का खुद का एक 3D एनलाइट करके एक लाइटिंग इंजन है, दैट इज रियली गुड, आई हैव सीन दैट, और उसके ऊपर भी मैं शॉर्टली एक वेबिनार लेने वाला हूँ, वो एक बहुत अच्छा है। आर्नल्ड इज वेरी गुड फॉर मूवीज इफ यू आर डीलिंग विथ मूवीज, एंड देन देर आर अ लॉट, लाइक पिक्सर का रेंडर मैन है विच यू कुड यूज। ओके, सो देर आर अ लॉट इन द लाइन, बट आर्नल्ड, अगर आपको लाइटिंग सीखनी है, सीख रहे हो आप, आर्नल्ड पे हाथ बिठाओ, ये बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। अगर आप गेमिंग की तरफ आओगे तो गेमिंग में सारा रियल टाइम होता है, उसके लिए अनरियल का खुद का ही इनबिल्ट रेंडरिंग इंजन है दैट डज ऑल द सिमुलेशन, वो रियल टाइम है, तो उसका तो पूरा कंसेप्ट ही अलग है। अगर उसमें जाना चाहते हो तो उसमें भी जा सकते हो। सो दिस इज ऑल दीज थ्री कैटेगरीज, इनके ये कुछ कुछ सॉफ्टवेयर है। कीशॉट जो है ऑन द अदर हैंड, अगर आपको कीशॉट के बारे में और जानना है तो हमारे जो यूट्यूब का जो चैनल है उसके प्लेलिस्ट में आपको कीशॉट का वेबिनार भी मिलेगा, उसके अंदर पूरा डिटेल व्हाट इज कीशॉट एंड हाउ इट वर्क्स पूरा है उसके अंदर, सो यू कैन चेक दैट। व्हाट इज कीशॉट? बेसिकली कीशॉट है ना, ये एक रेंडरिंग सॉफ्टवेयर है, वेरी इजी टू यूज, रियल टाइम कम सीपीयू कम जीपीयू रिजल्ट्स देता है वो, और वो अगर आपको क्विक लुक डेव करना है, तुमने कोई कैरेक्टर बनाया और तुमको ज्यादा लाइटिंग रेंडरिंग में नहीं जाना है, तो यू वुड यूज कीशॉट फट से, और वो हर एक सॉफ्टवेयर से कनेक्ट होता है। तुम उसको ज़ीब्रा से कनेक्ट कर सकते हो, तुम उसको 3D Max से कनेक्ट कर सकते हो, तुम वहां पे सीधा लेके जाओ, वहां पे उनके बनाए हुए मटेरियल्स है, आप मटेरियल्स डालो और रेंडर फट से आ जाता है। तुमको वो जो सेटिंग्स रहती है ना, मैं FG ऑन करूँ, GI ऑन करूँ, या मेरा रे डेप्थ कितना रखूँ, ये सारे सेटिंग्स तुमको करने का झंझट ही नहीं। तो कीशॉट एक ऐसा सॉफ्टवेयर है। होप आई एक्सप्लेन्ड दैट। यस, तो सारंग हैज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, सबस्टेंस पेंटर वर्सेज आर्मर 3D वर्सेज पिक्सल मिक्सर। यस, सो सबस्टेंस पेंटर वर्सेज आर्मर वर्सेज पिक्सल, आई वुड डेफिनेटली गो विथ सबस्टेंस पेंटर, बिकॉज आर्मर जो है वो अभी भी आई फील इट्स इन टू डेवलपमेंट, इट्स अ वेरी गुड सोल्यूशन। पेंटर एज इट इज है वो फ्री एंड इट्स ऑल्सो फ्री टू यूज, बट उसमें थोड़ा सा बिल्ड और ये सब करना पड़ता है, दैट्स अदर पार्ट। इफ यू आर गुड विथ आर्मर, गो विथ आर्मर, देर इज नो प्रॉब्लम। देखो, आप अगर करियर बनाना चाह रहे हो तो आपको ये जानना है कि स्टूडियो में क्या यूज हो रहा है। गेमिंग स्टूडियो में पेंटर यूज हो रहा है, आर्मर नहीं। ओके, तो वर्क ऑन पेंटर। नाउ क्विक्सल पेंटर जो है, क्विक्सल मिक्सर जो है, ये एक छोटा सा पार्ट है क्विक्सल सूट का। क्विक्सल सूट के अंदर क्विक्सल एंडू आता है, 3D आता है, DDU आता है, मिक्सर आता है, मेगा स्कैन है उसका। ओके, सो ये जो मिक्सर है ये क्या करता है, दो मटेरियल्स को ब्लेंड करता है। So it is not to do with texturing much, it has to do a lot of materialing on the other hand. Jo Quixel ka jo 3D aur DDU hai, that is what is good for texturing. That is really good when it comes to comparison with painter. Kabhi kabhi koi koi projects mein hai na, maine seriously substance painter ko side mein kiya hai aur maine Quixel suit ke upar kaam kiya hua hai. Because wahan pe mere paas wo options available the jo painter mein nahi the. So Quixel mixer, I would say it's a very good tool. बट चेक विच स्टूडियो यू आर ज्वाइनिंग, और वो स्टूडियो मिक्सर यूज कर रहा है या नहीं, क्विक्सल सूट यूज कर रहा है या नहीं कर रहा है। ओके, सो क्विक्सल पेंटर इज समथिंग विच आई वुड रियली वाउच ऑन।
क्विक्सल मिक्सर जो क्विक्सल का जो सूट है दैट इज समथिंग व्हिच आई वुड रियली वाउच ऑन. आर्मर 3D जो है इट्स स्टिल लाइक अ ओपन सोर्स एंड है वो अभी, उसमें बहुत सारे फ्लॉज है और वो स्टूडियोज नहीं यूज कर रहे अभी. सो अगर कोई स्टूडियो यूज कर रहा है स्पेसिफिकली और तुम सीख रहे हो इट मेक सेंस. अगर कोई स्टूडियो अगर तुम सिर्फ सीखना चाह रहे हो तो बहुत कम स्टूडियोज है जो आर्मर यूज कर रहा है. तो बी अवेयर अबाउट दैट. यस. सो इज इट नेसेसरी टू स्टार्ट विद एसेट मॉडलिंग इफ समवन वांट्स टू बी अ कैरेक्टर आर्टिस्ट? यस. नाउ दिस इज अ वेरी very very what do you say a very vast question, and answering this and making you understand is going to be a little task. What happens is modeling on the other hand is something else, character is something else. Ab modeling kya hota hai? Modeling matlab meko agar koi object hai, it may be character, it may be hard surface, it may be a telephone, let's say. Okay, how will I approach or how meko camera match karna hai ya मुझे एडिट पॉली करना है या नर्स करना है, मुझे गेमिंग के पाइपलाइन के लिए काम करना है या मुझे मूवी के लिए पाइपलाइन के लिए काम करना है, ये सारी चीजें जानना इज मॉडलिंग. ओके. अब कैरेक्टर सीखने के लिए तुमको क्या नेसेसरी है? एक तो तुमको मॉडलिंग आनी चाहिए, नंबर वन. नंबर टू, तुमको एनाटॉमी पता होनी चाहिए कि ये कैरेक्टर का एनाटॉमी क्या है, प्रपोर्शंस क्या है. ओके. अगर मैं तुमको एक कैरेक्टर देता हूँ बनाने के लिए, सो उसका मस्क्यूलर स्ट्रक्चर are you able to understand or not? That is what you need to learn. अगर तुमको मॉडलिंग आती है, अगर तुमको एनाटॉमी आती है तो तुम कैरेक्टर कर सकते हो. अगर तुमको मॉडलिंग आती है और तुमको कार्स का बहुत ज्यादा पता है, कार्स के पूरे स्ट्रक्चरल डिटेल्स तुमको बनाने आते हैं या तुमको समझ में आते हैं, ओके, कार का नो बेस हाइट क्या है, उसका व्हील के बीच में डिस्टेंस कितना है, कार के टायर के ऊपर ऐसा एक लिखा हुआ रहता है R13/15/something, वो रीड करना आता है कि नहीं आता है, तो ये कार के बारे में अगर तुमको मालूम पड़ेगा तो तुम व्हीकल आर्टिस्ट बनोगे. अगर तुम प्रॉप्स बनाना चाहते हो जैसे गन्स है या फिर जैसे एक हट है, तो स्ट्रक्चरल डिटेल्स तुमको आते हैं तो तुम हार्ड सर्फेस मॉडलिंग कर सकते हो. सो दिस इज वॉट द होल थिंग अबाउट मॉडलिंग एंड कैरेक्टर इज. तो मॉडलिंग तुमको सीखनी है, एनाटॉमी सीखोगे उसके साथ तो तुम कैरेक्टर आर्टिस्ट बनोगे. तो दैट इज हाउ नवोदित वुड बी योर आंसर टू योर क्वेश्चन. आई होप it is solved. If any other further queries, please write in the comment box. I'll do take it. Evil Gaming has one more question. Which software is best for gaming, for game prop modeling, sir? I used 3ds Max and I'm still using 3ds Max and I will be also using 3ds Max. So that is what I feel is the best software for games specifically. Two reasons. One, I'm working on 3D Max for like 12-13 years now, so I know where to go for what. Number two, all the studios, right from Rockstar to EA Games to Ubisoft, everyone is using 3DS Max. So this is one best part for 3DS Max users. Yes, after that Blender is there, Maya is there. Having knowledge of that is good. ऐसा नहीं कि मत सीखो उसको, सीखो, दिमाग में रखो, देखो क्या कौन से tools हैं. Keep that in handy. Next is, according to current tech, from Gratty again. According to current tech, is good topology still important? Definitely yes, because all the animations, all the tessellations, everything, your shine, your reflections still depend on vertexes and your line flow. So line flow, topology, arrangement of vertexes, whether it is high poly, low poly, everything is very, very, very important. Uske bina ye world aage jayega nahi. लोगों ने बहुत बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स बताए हुए हैं. नैनाइट करके एक चीज आ गई है अनरियल में जो खुद ही ऑप्टिमाइज करता है, बहुत सारे टूल्स आ गए बट सब यूज करके देख लिया नहीं होता. ओके. सो टोपोलॉजी इज द मेन रीजन व्हाई मॉडलर्स आर गेटिंग पेड, नहीं तो सारे मॉडलर्स और आर्टिस्ट को कुछ उनका कुछ नहीं होगा फिर. ओके. सो वील स्टॉप टिल हियर, लेट्स डिग इन टू द वेबिनार एंड देन आप पूछते रहो क्वेश्चंस. वी विल बी एड्रेसिंग द क्वेश्चंस. कोई भी क्वेश्चंस हम लोग छोड़ेंगे नहीं आज, टेंशन नहीं. ओके. सो आई विल क्विकली शेयर माय स्क्रीन एंड आई विल जस्ट ब्रीफ यू अबाउट व्हाट इज दैट थिंग व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे. आई होप माय स्क्रीन इज शेयर्ड, चितल. यस यस. एंड फॉर टुडेज सेशन नो इट वुड बी गुड दैट यू डू फुल स्क्रीन बिकॉज बहुत सारे टूल्स है, बहुत सारी चीजें. यस यस आई ऑलरेडी यस.
So first of all, this is the model which we are going to do it as a we'll be using it for today's session. और ये model अगर तुम देखोगे तो जैसे जो भी questions थे about topology, the way we have organized this topology is this is how how clean you have to be. Okay. So from the topology front, this is how the topology should be arranged. It should be precise. जो भी तुमने बनाया हुआ है एकदम परफेक्ट होना चाहिए. ये मॉडल हमारे कुछ फ्रेमवर्क्स के सेशंस में हम लोग यूज करते हैं. ये मैंने ही बनाया हुआ है फॉर गेम स्टूडेंट्स, मॉडलिंग के लिए ही हम लोग यूज करते हैं. सो इफ यू सी, दिस इज अ ओल्ड फोन एंड देर आर फ्यू इमेजेस विद दिस विच आई विल शो यू. सो दिस वॉज द रेफरेंस इमेज विच वॉज यूज टू क्रिएट इट. सो ये कुछ रेफरेंसेज है. जब भी तुम कोई भी एसेट बनाने का ट्राई करते हो या तुमको एसेट बनाने हैं, make sure you have a good amount of image library with you. Otherwise, otherwise it is not a good idea to just have one image and start, because har ek integrity, har ek cheez janna important hai asset ke bare mein. Jaise maine bataya tha ki agar tumko structural details bana rahe ho to object ke bare mein pata hona chahiye. So this is how it looks like. Abhi iske upar turbo smooth ya normal mapping kuch bhi nahi hai. Ye just ek grey shader maine iske upar diya hua hai. And ये जो पूरा हो रहा है, this is all because of the supporting edges and the way I have modeled it. So इसके ऊपर भी I'll take a session and we can speak about it. Okay. Yes. Now पूरा अगर try count इसका देखोगे तो it is nothing but 19,000 triangles. और इसके ऊपर smooth मारने का जरूरत है नहीं, आपको smooth इसको करने की जरूरत है. Okay. और इसके ऊपर अगर smooth डालोगे भी तो भी ये बहुत खराब दिखेगा मॉडल, बिकॉज ये पूरा handmade and पूरा का पूरा ये handmade मॉडल. All the smoothing and everything is done by the artist. Okay, so this is the model which we are going to use. Now, first of all, what you need to understand is, मैं कौन से models को substance में लेके जा सकता हूँ? That is something what you need to first realize. तो मैंने क्या किया हुआ है? इस model के ऊपर, if you see, this is a normal model, nothing else. Number one thing, if you are moving from 3ds Max or Maya, you have to reset the model. Make sure that model is good in proportion. अगर मेरा मॉडल बहुत ज्यादा बड़ा बनाया या बहुत ज्यादा छोटा बनाया, ऐसे मत करना. जो भी तुम्हारा मॉडल है उसका एक बार साइज देख लो बाय गोइंग इनटू एनी यूनिट सेटअप, विच एवर सॉफ्टवेयर यू यूज, उसके यूनिट सेटअप में जाके एक बार इसका साइज देख लो. तो इसका साइज जो है दैट इज 1.7 मीटर्स अपना ह्यूमन होता है. तो इसका साइज देखो कम है, राइट? सो दिस इज द साइज व्हाट इट इज. ओके. एंड ऑब्वियसली जब ह्यूमन यहाँ पे रहेगा, अगर आप फोन बूथ देखोगे तो आप खड़े रहते हो फोन बूथ के यहाँ पे, तो ऐसा रहता है ये फोन बूथ. तो टेंटेटिवली वो ह्यूमन हाइट के बराबर से. ओके. सो दैट इज व्हाट द हाइट आई हैव केप्ट इट फॉर द होल थिंग. सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज इट शुड बी रीसेटेड, पिवोट शुड बी वेल एडजस्ट. ओके. एंड सेकंड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज द अनरैप. सो अनरैप करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. तुम्हारा मॉडल कैसे अनरैप हुआ है ये तुमको प्रिसाइसली पता होना चाहिए. तो ये मैंने कुछ ऐसा अनरैप करके रखा है मॉडल को. अगर इसमें देखोगे तो इसमें एक ही आईडी है, सारे यूवीज मैंने एक ही आईडी में डंप करके रखे हुए हैं एंड एवरीथिंग इज ऑन द सिमिलर पेज. ओके. नाउ व्हाट आई विल डू इज बिफोर टेकिंग इट टू सब्सटेंस, मैं सारा एक का एक लेके जा सकता हूँ, बट मुझे कुछ एक्सप्लेन करना है अबाउट मटीरियल्स. तो इसके लिए मैं ये थोड़ा सा टाइम लूंगा जस्ट टू अरेंज दिस. तो मैं क्या करता हूँ, 3D Max में या Maya में, व्हिचएवर सॉफ्टवेयर यू आर इनटू, आई वुड जस्ट टेल यू दैट यू यूज मल्टी सब्स एंड मेक श्योर योर आईडीज आर प्रॉपर. तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैं इसको जस्ट रीसेट कर देता हूँ. सो आई जस्ट गो एंड रीसेट दिस वंस, यूटिलिटीज रीसेट मटेरियल एडिटर स्लॉट. ओके. अभी मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर एक मटेरियल ऐड करता हूँ और यहाँ पे मैं इस स्टैंडर्ड के जगह पे मल्टी सब यूज करता हूँ. नाउ व्हाट इज मल्टी सब, ये क्या करेगा, मुझे दो मटेरियल आईडी बना के देगा और ये दो मटेरियल को मैं अलग अलग ट्रीट कर सकता हूँ. तो मैं सेट नंबर करता हूँ, मुझे दो ही मटेरियल चाहिए तो मैं इसको दो रखता हूँ एंड से ओके टू दिस. And this is how it looks like. Okay. Secondly, इसका अगर unwrap देखोगे, तो ये unwrap would look something like this. Okay. And if I go for its ID, एक ही ID यहाँ पे मैंने बना के रखा हुआ. There is no multiple IDs on this. Okay. And now if I check over here, I have these two options. मैं यहाँ पे दोनों को अलग-अलग करता हूँ. I'll just close this. मैं क्या करता हूँ, ये जो बड़े objects हैं, ये और ये. Okay. और लेट्स से दिस, इन सबको मैं एक पेज में लिंक लूंगा. ओके. और बाकी जो है अंदर का ये इसको अलग पेज में रखूंगा. तो इन सबको सिलेक्ट करके मैं क्या करता हूँ, आईडी मेरा जो सेट आईडी है इसको मैं कर देता हूँ वन इज फाइन. और कंट्रोल आई टू इन्वर्ट एंड इसको मैं करूंगा सेट आईडी एस टू. तो ये दो अलग अलग मटेरियल, आईडी वन का मटेरियल आईडी वन पे जाएगा, आईडी टू का आईडी टू पे जाएगा. सो आई सिलेक्ट दिस एंड आई गो इन हियर एंड आई टेक दिस एज स्टैंडर्ड मटेरियल. स्टैंडर्ड
okay, and same, I'll take this also over here and say copy. I'll just take a copy of this. Just मुझे दो materials add करने, nothing else. एक का नाम मैं रखता हूँ stand, okay, underscore mac, और दूसरे का नाम रखता हूँ मैं body, underscore mac. These are the two materials I have added to this. Okay, nothing much. Now if I go for my unwrap, no. What will happen is unwrap के अंदर मुझे यहाँ पे ये दो IDs मिलेंगे, stand, okay, और ये body, okay. मैं इनको क्या करता हूँ, थोड़ा scale कर देता हूँ और यहाँ पे fit कर देता हूँ, okay, really quick. So, और I can just use automatic mapping over here. ये फटाक से automatic करके उसको fit कर देता हूँ, okay. I'll go ahead here again. I'll select this और इसको भी मैं automatic fit करा देता हूँ, okay. तो मेरे पास अभी दो materials है, if you see, and this is how it looks like. Okay, now what I'm going to do is I'll first close this and I'll export it. Nothing much. File, export, export selected. Or again, I'll just show it to you. File, export, export selected. And as I told you, it supports FBX. It supports OBJ. So you can export it as FBX for now. I'll say build payphone underscore LOD01. So ye main kuch aise naam rakhta hu. Okay. I always name the it according to the LODs. So I'll save it. इसमें कुछ चीजें तुमको ध्यान में रखनी पड़ेगी. पहले तो smoothing groups, I'll on it. Animation, I'll off it. I don't need it. इसका जो unit setup है, I have kept it in centimeters. ये automatic करके रखोगे तो भी चलेगा. सब texturing के लिए जा रहे हो, modeling का doesn't make any relevance. अब axis कौन सा है देख लो एक बार. And I would just export it. So it got exported. अभी substance में इसको import कैसे करेंगे? I'll quickly go into the substance. I am using substance 2020. So, अगर मुझे substance में इसको लेके जाना है, तो मुझे सबसे पहले जाना है file में, new में. Okay? जैसे मैं ये new में जाता हूँ, there are few options over here. Now, the first option what you see is the template. कि तुम किस चीज़ के लिए ये texturing कर रहे हो. Okay? Dimension, Dota 2, Keyshot. किसी ने Keyshot के बारे में पूछा, देखो Keyshot यहाँ पे भी है. तो यहाँ पे तुम texture करके Keyshot में लेके जा सकते हो. Lens Studio, Maxwell. PBR materials, you know, Unreal, V-Ray materials बना रहे हो, सारे pipelines यहाँ पे रखे हुए, okay? मैं I belong from the gaming industry, so I prefer going for metallic roughness algorithmic, okay? और अगर Unreal में लेके जाना है, तो मैं Unreal में लेके जाता हूँ, okay? I can keep it to Unreal 4, तो ये template set हो जाता है यहाँ, ये document का जो size है, resolution है, वो कितना रहेगा? That I can keep it here. If you see, ये 4K के ऊपर जाता नहीं है, okay? Mari on the other hand, you can go up to 32K. So crazy. Normal map format. Now there are two normal map formats. One is DirectX and one is OpenGL. ये दो अलग-अलग real time के way of interface है. So if you are using a software which supports OpenGL, you'll definitely get into OpenGL. If your whole base is based on the OpenGL, तो आपको OpenGL पे जाना पड़ेगा. Now UV settings, आपका UV settings क्या करना है आपको? Use UV tile flow workflow. You can use this workflow and make changes over here. UV tile into individual texture sets. ये सब आप कर सकते हो. मैं फिलहाल के लिए इसको off रख रहा हूँ. मेरे को import camera नहीं करना है. मुझे auto unwrap नहीं करना है. तो ये भी मैं off रखता हूँ. फिलहाल के लिए I'm not on anything. I've just done it like this. अब ये okay button आएगा नहीं. Okay off रहेगा. The reason being इसको 3D फाइल चाहिए रहती है कि तुम्हारी 3D फाइल कौन सी है. सो आई विल गो इनटू सिलेक्ट, आई विल गो ऑन टू द डेस्कटॉप वेबिनार एंड आई विल जस्ट सिलेक्ट दिस फाइल. तो जैसे मैंने ये फाइल सिलेक्ट किया, ये ओके ऑन हो गया. नाउ लेट्स डू एन ओके ऑन इट विद द डिफॉल्ट सेटिंग्स एंड सी व्हाट यू गेट. ये आ गया, ऐसा कुछ मेरा मॉडल दिख रहा है. मेरे पास मेजरली देयर आर टू विंडोज व्हिच यू नीड टू थिंक अबाउट. वन इज द 3D विंडो एंड देयर इज द 2D विंडो. यहां पे भी तुम टेक्सचरिंग कर सकते हो, यहां पे भी तुम टेक्सचरिंग कर सकते हो. ओके, गॉट इट. Now, how do you work around with these windows? So, Alt middle click, panning, Alt left click, rotation, Alt right click, zoom in, zoom out. Okay, so these are the shortcuts which you could use to navigate around this window. Okay, again, this is same, Alt middle click to pan, and Alt right click to zoom in, zoom out. Okay, and Alt left click if you want to rotate this. Okay, but ye rotate karne ki zarurat nahi padti. अगर कभी जरूरत पड़ा कुछ टेक्सचर कर रहे हो, जरूरत पड़ा यू कैन यूज़ इट. नाउ दिस वाज़ द मेन कंसर्न ऑफ़ दिस टू थिंग्स.
देन यू हैव अ मेन्यू बार ओवर हियर जिसके अंदर ये सारे मेन्यूज लाइक फाइल सेव, पहले तो इसको सेव करते हैं, फाइल सेव एज करता हूं मैं एंड आई विल जस्ट गो ऑन द डेस्कटॉप एंड आई विल से ओल्ड फोन बट ओल्ड पी फोन ओके सेव दिस एसपीपी मैं ये सेव करेगा इसको ओके दैट विल बी द फॉर्मेट व्हिच इट विल बी सेव्ड इन This is your menu bar, जिसके अंदर सारे menus है, right from file, save, exit, quit, import करना है कुछ, ये सब तुम यहाँ से कर सकते हो, okay? Edit के अंदर undo, redo, bake settings, अगर कुछ bake करना है तो bake भी तुम यहाँ से कर सकते हो, जो अभी हम लोग करेंगे bake. Modes है, painting mode है, rendering mode है, जैसे मैंने बताया ये IRA भी support करता है, तो इसका खुद का भी एक rendering engine है, which you could use. Windows के अंदर अगर तुमको Windows में कोई changes करने हैं, view change करना है, toolbar change करना है, you can have this. Viewport is there, ये viewport related options है कि तुमको क्या देखना है यहाँ पे material, channels, mesh, all of this you can look into it. Python coding आती है तो Python भी है यहाँ पे, Java coding आती है तो Java भी है यहाँ पे और help. As I told you, it is a very simple, straightforward software. कुछ ज़्यादा है नहीं इसके अंदर. As I told you, animation और ये सारी चीज़ें यहाँ पे है ही नहीं. So there is no question of doing anything over here. Then you have your tools over here. ये tools भी नहीं है, option bar है ये basically. जहाँ पे जो भी टूल सिलेक्ट करोगे तुम उसके ऑप्शंस यहाँ पे आते हैं, तो जैसे फोटोशॉप में होता है वैसे ही सेम इसमें भी है. दीज आर योर टूल्स एंड टूल्स आर ऑल्सो इफ यू सी फोटोशॉप के जैसा ही है सेम. और इनफैक्ट यहाँ पे देखोगे तो फोटोशॉप का आइकन भी है, तो यहाँ से तुम डायरेक्टली फोटोशॉप में लेके जा सकते हो ये सारा चीज और फोटोशॉप में जाके और एडिट कर सकते हो उसको. सो अनदर लेवल. इफ यू सी फोटोशॉप के मेजर ऑप्शन है, बाकी जो ऑप्शन अनवॉन्टेड है निकाल दिए उन्होंने. तो ब्रश है, इरेजर है, प्रोजेक्शंस है, ओके. देन यू हैव योर पॉलीफिल, फिल ऑप्शंस है यहाँ पे, अगर तुमको कोई स्पेसिफिकली पॉलीफिल करना है तो वो भी तुम कर सकते हो. देन यू हैव योर स्मच टूल्स, यू हैव योर क्लोन स्टैम्प टूल्स, योर पिकर टूल्स, ये सब्सटेंस शेयर है. अगर ये शेयर एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे आई वुड से एक अकाउंट बनाओ, फ्री अकाउंट है, और यहाँ से तुम अलग अलग मटेरियल्स, मैप्स, मास्क, ये सब डाउनलोड कर सकते हो. एंड देन यू हैव मोर टूल्स ओवर हियर व्हिच वी विल स्पीक इन कमिंग टाइम. जो भी ऑप्शन जैसे मैंने बताया, जो भी तुम टूल सिलेक्ट करोगे उसके ऑप्शंस तुमको यहाँ दिखेंगे. तो जैसे साइज हो गया ब्रश का, फ्लो हो गया ब्रश का, स्ट्रोक का ओपेसिटी हो गया, उसका स्पेसिंग हो गया या डिस्टेंस हो गया, ये सारी चीजें तुमको यहाँ पे मिलेंगी. मिररिंग ऑप्शंस है यहाँ पे, ओके. सो ऑल ऑफ दीज ऑप्शंस हैव केप्ट हियर. देन यू ऑल्सो हैव फ्यू ऑप्शंस ओवर हियर व्हिच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू योर व्यूज. 2D 3D व्यू देखना है, सिर्फ 3D व्यू देखना है, सिर्फ 2D व्यू देखना है, या तुमको स्वॉप करना है, ये सारी चीजें तुमको यहाँ पे मिलेंगी. Then you have your perspective and orthographic view. तुमको orthographic देखना है या perspective देखना है. Camera selection, कि तुमको camera rotations कैसे चाहिए. And you also have a snapshot option, so you can just quickly get a snapshot and it's like a render only, which you could use. Then after these, the upper panel where everything is about visuals and how things will work. ये जो L panel है, this is the main panel where everyone need to focus. Now this panel has a lot of things in it. ओके अगर ये छोटे छोटे पैनल्स देखोगे, ये पाइथन में कोडिंग नहीं करने वाला, तो आई क्लोज इट, आई डोंट नीड दिस. तो यहाँ पे देखोगे तो ये तीन मेजर सेक्शन में बना के रखा हुआ है, ओके. नाउ फर्स्ट थिंग इज अबाउट द टेक्सचर सेट्स. सो व्हाट आर दीज टेक्सचर सेट्स? याद है मैंने मैक्स में मटेरियल्स बनाए थे और ये दो मटेरियल्स मैंने इसके ऊपर डाले थे. तो ये दोनों चीजें तुमको यहाँ पे मिलेंगी, ओके. तो एक है बॉडी मैट, दूसरा है स्टैंडर्ड मैट, स्टैंड मैट. तो जो बॉडी वाला टेक्सचर है या मटेरियल है उसका यूवीज और उसकी सारी चीजें यहाँ पे तुमको मिलेंगी. और ये जो दूसरा मटेरियल है, ये दूसरा मटेरियल तुमको यहाँ पे मिलेगा. तो सब्सटेंस में अलग 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 मटेरियल्स तुम लेके आ सकते हो और उनको अलग 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 टेक्सचरिंग कर सकते हो. दैट इज द रीजन आई शोड यू दैट सिंपल स्टेप व्हाट आई डिड इन 3ds मैक्स. या तो फिर नहीं तो तुमको अलग अलग ऑब्जेक्ट्स लेके आने पड़ेंगे हर टाइम. जो भी तुम मटेरियल सिलेक्ट कर रहे हो, जो भी मटेरियल या जो भी शेडर तुम सिलेक्ट कर रहे हो, उसके लेयर्स तुमको यहाँ पे मिलेंगे और उसकी जो टेक्सचर सेटिंग्स है वो तुमको यहाँ पे मिलेंगी, ओके. फिर इसके नीचे मेरे ब्रश के प्रॉपर्टीज है, तो जो भी ब्रश में सिलेक्ट करता हूँ उसके प्रॉपर्टीज तुमको यहाँ पे मिलेंगे कि तुमको उस ब्रश से क्या क्या पेंट करना है. जैसे तुमने क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट अबाउट रफनेस एंड मेटलनेस ऑल द मैप्स सेपरेटली और कंबाइंड. सो व्हाट हैपेंस इज ओवर हियर, यू कैन पेंट एवरीथिंग इन कॉम्बिनेशन. जैसे तुम अगर कोई कलर पेंट करते हो, कलर कर रहे हो कोई ऑब्जेक्ट को, और तुमको लगता है नहीं इसका नॉर्मल मैप मुझे चाहिए, इसका मुझे स्पेक्युलर मैप भी चाहिए, फोटोशॉप में ये अलग अलग करना पड़ता है, यहाँ पे ये सारी चीजें तुम एक साथ कर सकते हो. तो एक ही स्ट्रोक में कलर भी पेंट हो रहा है, हाइट भी पेंट हो रही है, रफनेस भी पेंट हो रहा है, मेटल भी हो रहा है, रफनेस भी हो रहा है. अगर तुमको इनको लिमिट करना है तो इनको लिमिट भी कर सकते हो, नहीं मुझे सिर्फ कलर ही करना है तो सिर्फ कलर ही करो, वो भी कर सकते हो, ओके. बट बाय डिफॉल्ट ये सारी चीजें पेंट होती है ऑटोमेटिकली. सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक.
then you have after this panels, these are the main panels which I spoke about. Now after this, there is also one more option, that is these panels. These are also again very important. सबसे पहले इसका डिस्प्ले का जो सेटिंग है वो, कि जो डिस्प्ले तुमको दिख रहा है इसके अंदर तुमको क्या क्या चीजें चाहिए, ये सारी चीजें तुमको यहाँ पे मिलेगी. ओके, मोर टू डू विद रेंडरिंग. और हमेशा एक चीज देखना, यहाँ पे है ना, इन्होंने अच्छे तरीके से इसको ग्रुप करके रखा हुआ है. तो पहला जो है इसका एनवायरमेंट सेटिंग्स है, फिर है कैमरा सेटिंग्स है, फिर है व्यूपोर्ट सेटिंग्स, और जैसे तुम टॉगल करते हो ना तुमको ये सेक्शन भी दिखाता है. तो ये बहुत अच्छा यूआई आई वुड से लोग ने डिजाइन करके रखा हुआ है. नाउ व्यू मोड, मटेरियल देखना है तुमको, बेस कलर देखना है, हाइट देखना है, ये भी तुम चेंज कर सकते हो आइदर फ्रॉम हियर और यू कैन चेंज इट फ्रॉम हियर ऑल्सो. ओके, तो इसी का एक्सटेंडेड पैनल ये है. फिर मेरे पास यहाँ पे मेरा मटेरियल सेटिंग है, तो जो भी मेरा शेडर है उसकी अगर मुझे कोई चीजें सेट करनी है, जैसे मुझे ओपेसिटी चाहिए या मुझे सब सरफेस कैटरिंग चाहिए, तो ये सारी चीजें तुम यहाँ से चेंज कर सकते हो. मुझे हाइट मैप देखना है तो डेफिनेटली मुझे उसके लिए टेस्टिलेशन करना पड़ता है, तो वो सारी चीजें तुमको यहाँ पे मिलेगी. द मटीरियल विच आई एम यूजिंग, इफ यू सी इट्स पीबीआर मेटलनेस एंड रफनेस. मैं मेरा मटीरियल भी चेंज कर सकता हूँ सीरियस, और इनके प्रीसेट्स भी बना के रख सकता हूँ, तो वेरी गुड ऑप्शन व्हाट दे हैव. देन यू हैव योर हिस्ट्री, ये तुमको हिस्ट्री दिखाएगा कि तुमने हिस्ट्री में क्या क्या किया था, और हिस्ट्री पूरा यहाँ पे है. एंड देन यू हैव योर लॉग्स, ये लॉग्स है ना, हमेशा तुमको एक एरर मैसेज मिलेगा इधर, कुछ अगर प्रॉब्लम है तो हील से चेक इन द लॉग, तो ये लॉग होता है. ओके, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो तुम यहाँ पे आके देख सकते हो, यहाँ पे डिटेल में लिखा जाता है क्या प्रॉब्लम है और क्या प्रॉब्लम नहीं. नाउ आफ्टर दिस, ये अगर नीचे का पार्ट देखोगे, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द पार्ट व्हाई सब्सटेंस पेंटर डू एग्जिस्ट. इसके अंदर तुम्हारे पास, इसको हम लोग शेल्फ बोलते हैं, और इसके अंदर सारी चीजें, जैसे तुम्हारा प्रोजेक्ट रिलेटेड फाइल्स को इम्पोर्ट चीजें करते हो तो अल्फाज, ग्रंज के टेक्सचर्स, तुम्हारा प्रोसीजरल टेक्सचर्स, तुम्हारे टेक्सचर्स, फिर एचडी, फिर तुम्हारा नॉर्मल मैप्स, ये नॉर्मल मैप्स भी तुम पेंट कर सकते हो डायरेक्टली बाय द वे. स्किन रिलेटेड चीजें, फिल्टर्स, तुम्हारे ब्रशेज, ये सारे ब्रशेज है. ओके, अब इमेजिन करो फोटोशॉप में अगर तुम डिफॉल्ट ब्रशेज देखोगे तो वेरी लिमिटेड, यहाँ पे डेडिकेटेडली टेक्सचर पेंटिंग के लिए ब्रशेस देके रखे हैं. पार्टिकल्स, दिस इज समथिंग लिटरली क्रेजी, ये तुमको कोई सॉफ्टवेयर में मिलेगा नहीं, ज्यादा सॉफ्टवेयर में नहीं मिलेगा, और ये ऐसी ऐसी चीजें करता है दैट फोटोशॉप में यही चीज करने के लिए बहुत टाइम लग जाएगा, बट अभी बहुत जल्दी कर पाओगे. टूल्स है यहाँ पे, ये कुछ टूल्स है, जैसे मेरे को अगर जल्दी से ऐसे कुछ फ्रॉस्ट बनाना है या मुझे जिपर्स बनाने हैं, तो ये सारी चीजें तुम यहाँ पे ये टूल से यूज बना सकते हो. फिर मेरे मटेरियल्स, अब ये है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट. जैसे फोटोशॉप में तुम टेक्सचरिंग ही कर रहे हो, मटेरियल्स का अता पता ही नहीं है, जब तुम उसको 3D में लेके जाओगे तब तुमको मालूम पड़ेगा, अरे हाँ ये गोल्ड मटेरियल तो इसको मैं गोल्ड में डालता हूँ, इसको ये वुड है तो मैं इसको वुड का मटेरियल प्रॉपर्टीज देता हूँ. यहाँ पे तुम मटेरियल्स का मटेरियल ब्लेंड कर सकते हो एक साथ, तो मुझे मटेरियल एक चाहिए, यहाँ पे दूसरा मटेरियल चाहिए, वो भी तुम ब्लेंड कर सकते हो यहाँ पे. तो ये मटेरियल्स है उसके, ये डिफॉल्ट है, और तुम खुद के मटेरियल्स भी बना सकते हो बाय द वे. और खुद के मटेरियल्स बनाने के लिए सब्सटेंस डिजाइनर यूज करना पड़ेगा, और हमारे प्लेलिस्ट में सब्सटेंस डिजाइनर का भी वेबिनार है, यू कैन गो एंड चेक दैट वेबिनार ऑल्सो इफ यू नीड टू नो व्हाट इज सब्सटेंस डिजाइनर. स्मार्ट मटेरियल्स, अभी मटेरियल्स और ये आ गए स्मार्ट मटेरियल्स. अभी स्मार्ट मटेरियल्स क्या है? नाउ स्मार्ट मटेरियल्स आर रियली स्मार्ट, उनको पता है कि मेरे को कहाँ पे कौन सा कलर करना है. अगर मुझे कोई वेदरिंग दिखानी है, मुझे एक अच्छा पॉलिश्ड चीज बनानी है, या मुझे वही पॉलिश चीज को अगर फट से ग्रंजी बनाना है, तो ये स्मार्ट मटेरियल्स तुमको हेल्प करेंगे इन सारी चीजों में. सिमिलरली यू हैव स्मार्ट मास्क. नाउ व्हाट इज स्मार्ट मास्क? ये सारे मटेरियल्स को मास्क या टेक्सचर्स को मास्क करने का काम करेगा. हमारे पास जो लेयर मास्क है ये उसका एडवांस वर्जन है. फोटोशॉप में हम लोग लेयर मास्किंग करते हैं. ओके, यहाँ पे ये लेयर मास्किंग ही है, बट इनटू अ वेरी वेरी एडवांस फॉर्म ऑफ लेयर मास्किंग. एनवायरमेंट्स, ये अगर तुमको कभी भी ये रियल टाइम एनवायरमेंट के बैकग्राउंड चेंज करने, तुम यहाँ से कर सकते हो. कलर प्रोफाइल्स, बेसिकली ये कलर प्रोफाइल्स है, ये लट्स है, तो अगर ये लट्स अगर तुमको चेंज करने हैं तो यू कैन चेंज दिस, और यू हैव दिस कलर प्रोफाइल्स व्हाट यू नीड, यू कैन गो अहेड एंड चेंज इट. ओके, तो सीफा टोन में देखना है तुमको, रेक 70 में देखना है, सिनियन में देखना है, तो ये सारी चीजें तुम्हारे पास यहाँ पे रखी हुई है. So, I feel till now everything must be understood. It's very clear what this whole software has and what it does. So, for today, what I will just show you is how you can quickly assign materials and how you can change them. Okay? So, अभी मेरे पास ये object है जिसके अंदर कुछ colors है और कुछ चीजें हैं. Okay? तो सबसे पहले अगर मैं देखूंगा कि मैं अगर मेरा reference देखता हूँ तो ये blue color का है, ये silver color का है, इसके ऊपर कुछ ये चीजें बना के रखी हुई है. ओके, इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है,
और यहाँ पे कुछ अलग अलग मटीरियल्स है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले मैं एक कलर मैप बनाता हूँ, सबसे पहला चीज। ओके, नाउ व्हाई डू आई नीड अ कलर मैप, आई विल टेल यू दैट आल्सो। तो मैंने क्या किया है, फोटोशॉप में ओपन किया हुआ, एंड आई विल जस्ट क्लोज दिस, आई विल क्रिएट इट अगेन। मैं 3D Max में जाता हूँ, मैं अनरैप करता हूँ इसको, अनरैप पे जाता हूँ, मैं ओपन यूवी टेक्सचर करता हूँ, और यहाँ से मैं IDs बना के बाहर निकालता हूँ। ओके, सो आई कैन सिलेक्ट दिस फाइल, टूल्स, रेंडर यूवीज, एंड आई वुड से आई वॉन्ट 2048 by 2048, 2048 by 2048 करता हूँ, पेस्ट, एंड आई वुड से आई जस्ट वॉन्ट इज दी यूवीज, रेंडर यूवी कर देता हूँ मैं इसको, ये हो गया रेंडर, इसको सेव करता हूँ, और मेरे यहाँ पे मैं, ये मेरा फर्स्ट है आईडी, तो मैं इसका नाम दूंगा, या ये 02 है, लेट मी चेक, सो आई जस्ट गो एड एंड सेव इट, आई सेव इट एज PNG फॉर नाउ, आई से 01 यूवीज, ओके, ये था मेरा आईडी नंबर 1, यस, परफेक्ट, और दूसरा जो है आई विल कीप इट एज सॉलिड्स, तो ये सॉलिड्स का भी ऑप्शन है यहाँ पे, आई कैन यूज सॉलिड्स, ये दोनों ऑप्शंस ऑफ करता हूँ मैं, और इसको रेंडर करता हूँ तो ये सॉलिड रेंडर करके दे देगा मुझे, इसको भी सेव करता हूँ मैं यूवी, इसके जगह पे मैं सॉलिड कर देता हूँ, आई जस्ट सेव दिस एंड क्लोज दिस गाइस, ऑलराइट, दिस इज वन। अब ये सेकंड के लिए भी करते हैं, सेकंड पे जाता हूँ मैं, अगेन सॉलिड्स को पहले रेंडर कर लेता हूँ, सो आई जस्ट गो एंड क्विकली रेंडर दिस आउट, से सेव एज, एंड दिस विल बी सॉलिड्स 02, एंड this will be UVs, so I just change it to normal, none mode, you don't know, on, render UVs, save this as PNG, and ye rahega, so I got both of them saved, okay, really quick, I'll go into Photoshop, and just fix few things, so I open karta hu, pehle to ye first ko open karte hai, dono ko, okay, aur ye dono ko main ek hi layer mein le leta hu, dono ko ek hi layer mein le liya maine, okay, yahan pe ek base, ek background color add karta hu main, solid color, और ये ग्रेश रखता हूँ 50% टेक इट डाउन, ओके, या चाहे तो थोड़ा डार्क रखो, सो दैट आपको मालूम पड़ेगा सॉलिड्स और इसका डिफरेंस। अभी इसके अंदर कौन से कलर्स है पहले वो मैं फाइंड आउट करता हूँ। तो ये डेफिनेटली अलग मटेरियल है, ये डेफिनेटली अलग मटेरियल है, और ये पूरा का पूरा अलग मटीरियल है, ओके, सो लेट्स डू दैट। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाके सिलेक्शन टूल में जाता हूँ, मैजिक वॉन्ड में, और ये मैजिक वॉन्ड में ये पूरा स्टैंड है उसका, ये स्टैंड का इनर पोर्शन है, और ये स्टैंड का बॉक्स है यहाँ पे, और ये स्टैंड के ऊपर का वो छोटा सा बोल्ट है, आई टेक ऑल ऑफ दिस, ओके, और इनसे मैं एक सॉलिड लेयर डिराइव करता हूँ, सो आई जस्ट गो एंड क्रिएट अ सॉलिड लेयर, ये मास्क भी करके दे देगा मुझे, रैंडमली कोई भी कलर पिक कर लो, ओके, बट इट शुड बी डिफरेंट, सो आई विल कीप इट लाइक अ लिटिल येलो स्टोन हियर, और ये जो है इसको मैं अलग करूंगा, सो आई विल सिलेक्ट दिस, इससे एक सॉलिड लेयर डिराइव करता हूँ मैं, and this will be, let's say, a different color, a blue color, okay, and I will take rest of these guys, in sab ka color alag hai, to main in sab ko alag isme leta hu, aur inko main select karke bolta hu, okay, let's derive one more layer from this, oh, sorry, a solid layer from this solid, aur ye rakhta hu main, let's say pink, to ye kuch teen colors maine liya hua hai, okay, and what I could also do is inko ek bar I will just take this duplicate, okay? या फिर ये करने के टाइम आई कैन कंट्रोल सिलेक्ट दिस और इनका सिलेक्शन थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं जस्ट बिकॉज वो बॉर्डर्स के ऊपर थोड़ा सा दिख के आता है तो मैं 1-1 pixel से इंक्रीज करता हूँ सबको और आई फिल इन वाइट कलर अगेन कंट्रोल क्लिक सिलेक्ट मॉडिफाई एक्सपांड 1-1 pixel अगेन हियर ऑल्सो 1 pixel एंड आई वुड इंक्रीज दिस ऑल्सो एज वेल एज दिस सिलेक्ट modify expand and say 1 pixel expand and ye yellow pe bhi main bhar deta hu okay baki sara main off kar dunga ye wire frame aur ye sab band kar deta hu main ye niche ka bhi layer I'll just off it don't need it aur isko main save karta hu as 01 id okay ye mera id ho gaya 01 and I would save it as png jpg whatever you want I can save it as jpg for now 01 id or I'll save it as jpg and save this and keep it large save this similarly what I'll do is I'll close this guy and jo dusra wala hai usko open karte this is the second one unit wala okay aur iske andar bhi same wahi trick follow karni hai humko shift click and drag close this and I would
go in here. अब इसके अंदर थोड़ा सा ट्रिकी है, कुछ मेटल है, कुछ और भी बहुत सारी चीजें इसके अंदर. तो मैं क्या करता हूँ, I'll just quickly go ahead and make one base solid. I'll keep it at maybe somewhere a little darker and drag it down. Let's select this and go for the magic wand and let's start. तो ये जो receiver है ये पूरा का पूरा अलग है और receiver के अंदर और भी कुछ चीजें, ये भी receiver का part है, ये पूरा receiver है. So I'll take this as a receiver. Okay, I think so. Nothing much is there in the receiver. Only this much is there. Fine. So I'll take this. I'll derive a color. I'll again derive a solid layer from it. Give it any color you want. See on the disco. Okay. Then I'll again go ahead for the main thing. That is buttons or ये सब तो same ही है. If I see this, ये अलग है. ये पूरा box same color का है. There is nothing much in it. और ये जो wire है, ये अलग है. तो ये wire को मैं अलग करता हूँ पहले. Wire कर लो. And I will just go ahead and make one more new solid layer. और इसको मैं करता हूँ green, let's say. Okay, this sorts out. Okay, next is बाकी सारा is metal. So I will just quickly go ahead and make the selections for that. Okay, ये भी phone का ही है शायद part. Yeah, this is also phone का receiver का part है ये. और एक रहेगा ऐसा ही part शायद receiver का. ये भी receiver का part है. Let's see this. ये दो parts किसके हैं? तो मैं मेरे second में जाके let's see ये कौन सा part है? This is receiver part. Yes. ये वाला भी और एक part होगा. हाँ यहाँ पे एक part है. ये दोनों receiver हैं और ये भी शायद receiver ही है. Yeah, ये अंदर का part है. Fine. So ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया. ये सारा receiver का part है. तो इसको मैं receiver में लगा रखता हूँ. और बाकी सारी जो चीजें हैं और ये वाला जो पूरा पार्ट है ये भी. Create a solid layer. And again, let's give it a color. Okay. और बाकी जो बचा हुआ है, that is all the connectors, wire connectors. उनको मैं select करके इन सबको अलग कलर देता हूँ. Okay. Let's take this and I'll keep like a dark color. Or maybe yellowish tone. Okay. ये भी एक पार्ट बच गया है, so I'll just put it into the receiver. This is what part? Let me check. ये पार्ट कौन सा है? This is ये भी मेटल ही है. So select this and add it to this. Yeah, yeah. इन सबको वापस I'll do the same technique what I did. Select this, control, select this, select, modify, expand, and say 1 pixel and fill the color. Again control click. Select, modify, expand, 1 pixel in it, and this was the green one. Control, click, select, modify, expand, 1 pixel, and this also in the color. Control, click this, and select, modify, expand, 1, and fill it here. Okay. Now I'll just off all of this again. Save this as JPG once more. And this would be okay. So we are all done. We have all the prerequisites now. तो ये आ गया. अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे? I'll just do a couple of things. सबसे पहला चीज़ तो मुझे इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें बेक करनी है. मतलब मुझे ambient occlusion चाहिए बेक करके, मुझे इसका position चाहिए बेक करके. तो ये सारी जो baking की चीज़ें हैं तुम बहुत easily कर सकते हो. I can go to edit and say bake mesh maps. If I go in here, ये तुम्हारे पास एक ऑप्शन खुल जाता है जहां पे मैं बेकिंग कर सकता हूँ सारी चीजों को. ये जहां जहां पे तुमने दिख रहा है यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मार्क है. दिस इज सेइंग कि इसको कुछ तो और चाहिए, ये होंगे नहीं बेक नहीं तो. ओके, आईडी तो मैंने बना दिया है तो मैं को आईडी बेक नहीं करना है. नॉर्मल मुझे बेक करके कोई मतलब ही नहीं है. तो आई ऑफ दिस.
वर्ल्ड स्पेस नॉर्मल यस मुझे बेक करना है, एम्बिएंट ऑक्लूजन मुझे बेक करना है, कर्वेचर मुझे बेक करना है, पोजिशन बेक करना है, थिकनेस बेक करना है. ये मैप्स क्या होते हैं, क्या करते हैं, वी विल स्पीक अबाउट दैट इन कमिंग सेशंस. फॉर नाउ व्हाट आई डू इज आई हैव ऑल ऑफ दिस. अभी मुझे क्या करना है, इन मेश के लिए इनको हाई पॉली मेश भी चाहिए रहता है. मेरे पास हाई पॉली मेश है नहीं, तो मैं क्या करूंगा, इसको बोलूंगा यूज लो पॉली मेश एज हाई पॉली मेश. इससे क्या होगा, वो लो पॉली और हाई पॉली दोनों सेम को ही कंसिडर करेगा. आउटपुट साइज जो है, जो मेरा टेक्सचर रेजोल्यूशन है, दैट इज 2048, आई विल कीप इट 2048. देखो मैक्सिमम ये 8K तक बेक कर पा रहा है. ओके, सो 2048 आई विल कीप इट. देन ऑल माय क्वालिटी ऑप्शंस आर बिलो. सबसे पहला जो क्वालिटी ऑप्शन व्हिच आई ऑलवेज रेकमेंड ऑल ऑफ यू टू हैव इज एंटीलियाजिंग. जितना हो सकता है मैक्सिमम रखो, बट आई विल कीप इट टू 4, आई विल कीप इट टू द मिडिल वन. देन आई विल गो टू द वर्ल्ड स्पेस नॉर्मल, कुछ ऑप्शंस नहीं है इसके लिए. एम्बिएंट ऑक्लूजन के लिए जो मेरा सैंपल्स है 64 पे भी अच्छा रिजल्ट देता है. अगर तुमको ग्रेन्स नहीं चाहिए तो इसको आप 512 कर सकते हो. ओके, 512 नहीं जा रहा है, 256 इज द मैक्स, तो 256 इज द मैक्स, तो इतना ही रख सकते हैं. देन यू कैन गो इनटू आल्सो वन मोर थिंग, ये जो भी सेटिंग्स तुम कर रहे हो तो यहाँ पे देखना ही आस्क वेदर एक के लिए कर रहे हो क्या सबके लिए करना है, तो अप्लाई टू ऑल कर देना, तो ये सेटिंग दोनों मटेरियल्स के लिए चली जाएंगी. ओके, बोथ द मटेरियल्स विल हैव द सेम सेटिंग्स. एम्बिएंट ऑक्लूजन हो गया. कर्वेचर के लिए अगेन ये जो सेकेंडरी रेज है इसको थोड़ा सा मैं बढ़ा देता हूँ, 64 कर देता हूँ. ओके, अप्लाई टू बोथ ऑफ देम, विल अप्लाई टू बोथ ऑफ देम. मेथड जनरेट फ्रॉम मैप्स और जनरेट फ्रॉम नॉर्मल मैप. ओके, ये डेप्रिशिएटेड है, ये काम नहीं करता है अभी, या नहीं काम करेगा. ओके, आने वाले टाइम में आई कीप टू जनरेट फ्रॉम मेश. पोजिशन मैप अगेन आई डोंट नीड टू मेक एनी चेंजेस ओवर हियर, और थिकनेस में भी मैं चेंजेस नहीं करता हूँ. इसने यहाँ पे बता दिया ये 10 टेक्सचर सिलेक्टेड फॉर बेकिंग, और मैं अगर ये बेक पे क्लिक करता हूँ, बेक सिलेक्टेड टेक्सचर, ये अपना काम करना चालू करेगा और ये फटाफट सब कुछ बेक कर देगा. एज मैंने थोड़ा वैल्यूज बढ़ा के रखा है, इट विल टेक नॉट मच टाइम बट वेरी लेस टाइम टू बेक. Meanwhile, it is baking. If any questions or anything you want to address, Chetan, we can have a small question answer. No, till now not relevant to this. Okay. So, any questions, guys? You can ask relevant to this, and we can take it. अब ये देखो, ये जो चीजें जो फोटोशॉप में पॉसिबल नहीं था, तो यही करने के लिए मुझे जाना पड़ता था 3D Max में, एम्बिएंट ऑक्लूजन ब्रेक करना पड़ता था, वापस यहाँ पे लेके आना पड़ता था, फिर वापस चेक करना पड़ता था. तो यहाँ पे ये सारी चीजें करने का तुमको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, यू विल डू वेरी फास्ट. ओके, वन क्वेश्चन इज देयर, व्हाई इज बेकिंग डन. ओके, नाउ बेकिंग इज डन बिकॉज ये जो स्मार्ट मटेरियल्स है इनको डेटा चाहिए रहता है, कि जो अभी मैं तुमको दिखाऊंगा, ये डेटा के साथ ही वो काम करेगा. एज इन, जैसे मैं तुमको बताता हूँ, अगर डस्ट डालनी है मुझे ऑब्जेक्ट के ऊपर, फॉर एग्जांपल डस्ट डालनी है, तो डस्ट कहाँ पे ज्यादा रहती है, टॉप पोर्शन पे. बॉटम में देखोगे ना तो डस्ट कम मिलेगी तुमको हमेशा. तो पोजिशन मैप क्या करता है, वो जो डस्ट का जो फिल्टर है उसको बताता है कि कहाँ पे डस्ट आनी चाहिए और कहाँ पे नहीं आनी चाहिए. जैसे स्क्रैचेस होते हैं, तुमने देखा रहेगा मेटल के ऊपर जब स्क्रैच होता है, तुम्हारा मोबाइल स्क्रैच होता है, वो कहाँ पे स्क्रैच होता है, कॉर्नर्स पे, एजेस पे. तो उसके लिए मुझे लगता है कर्वेचर मैप, तो वो कर्वेचर मैप के अकॉर्डिंगली वहां पे वो क्रैक्स डालना शुरू कर देता है. गेटिंग इट? तो ऐसी जो सारी चीजें हैं, ये कैलकुलेट करने के लिए स्मार्ट मटेरियल्स और स्मार्ट मास्क के लिए ये बेकिंग इंपॉर्टेंट है. यस, देयर आर सम मोर क्वेश्चंस, सो मे बी वी कैन कवर जब तक ये प्रोसेस हो रहा है. या डेफिनेटली, इट विल टेक सम टाइम. यस, या यू कैन स्टॉप माय स्क्रीन शेयरिंग एंड वी बोथ कैन बी ऑन द स्क्रीन. Yes. Oh, lots of questions. Yes. Okay. So we'll start with the first from photographer. Okay. Yeah. Sir, if we create a big town and there is thousands of objects, is it possible to texture in Photoshop? If not possible, then which one is the best, sir? So whenever you create something like this, agar tum ek bahut bada town bana rahe ho, jiske andar bahut sari cheez hai, तो हम क्या करते हैं इसके पीछे, वी गो इनटू एसेट डेवलपमेंट. एसेट डेवलपमेंट एक कैसा प्रोसेस है जहां पे मैं इन सारी बिल्डिंग्स का पहले एसेट्स बनाऊंगा, टाउन नहीं बनाऊंगा, पहले मैं एसेट्स बनाऊंगा, इन एसेट्स को जाके टेक्सचरिंग करूंगा. ओके, ये टेक्सचरिंग खत्म हो गई, उसके बाद में उसको पॉपुलेट कर दूंगा. अगेन मेरे को और कुछ दूसरी चीजें, जैसे बुलक कार्ड्स है वहां पे या कार्स है वहां पे, तो मैं एक कार बनाऊंगा, फिर यहाँ पे लेके आके
स्कैटर करूंगा। ये सब खत्म हो जाने के बाद फिर मैं ये पूरी चीज को एज वन ट्रीट करूंगा और फिर इनके ऊपर जो ग्रंजेस है, किधर से कुछ टूटा हुआ है या किधर स्नोफॉल हुई है, किधर डस्ट है, ये सारा चीज मैं बाद में लास्ट में ऐड करूंगा उसके ऊपर। तो ये ऐसा कुछ प्रोसेस है। एंड फोटोशॉप एंड पेंटर बोथ आर रेलिवेंट एंड गुड सॉफ्टवेयर इफ यू वॉन्ट टू डू टेक्सचरिंग फॉर दिस काइंड ऑफ अ सिनेरियो। होप दिस आंसर्स द क्वेरी। नाउ यस ट्रायल अपलोडेड सर आज सेशन में गेम के पाइपलाइन पे। यस सो आज का हम लोग सेशन गेम पाइपलाइन पे ही कर रहे हैं, इसके लिए मैंने अनरियल का ही पाइपलाइन यूज किया है एंड डेफिनेटली वी विल टेक इट फॉरवर्ड। मयूर हैज अ क्वेश्चन, व्हाई डू वीडियो गेम्स यूज ट्रायंगुलेटेड मेश? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ल्ड वॉज नेवर ऑन क्वाड्स, हर एक चीज ट्रायंगल में ही कैलकुलेट होती थी। माया में या मैक्स में हमको ट्रायंगल्स पे मॉडलिंग नहीं कर सकते थे, इसके लिए उन्होंने पॉलीगॉन्स डिजाइन किए। बट जो डेटा जाता है ग्राफिक कार्ड के पास और जो डेटा कैलकुलेट होता है रेंडर टाइम पे, वो ट्रायंगल्स में ही होता है। अब गेम्स में क्या होता है, रेंडरिंग होती नहीं है, तो जो डेटा मुझे देना पड़ता है रियल टाइम इंजिन को, उसको ट्रायंगल्स में ही देना पड़ता है। तो इसके लिए जो ट्रायंगुलेटेड मेश है, ये ज्यादा गेम्स के लिए यूज आपको दिख रहा है वो यूज होते हुए। बट अगर तुम माया में जाओगे या मैक्स में जाओगे, टेस्टिलेशन ऑन करोगे, तुमको दिख जाएगा वो टेस्टिलेशन, वो ट्रायंगल्स करके दिखा देगा तुमको क्या ऐसा डेटा जाने वाला है रेंडरिंग के लिए। बाय द वे हैव यू सीन दिस, आई वुड लाइक टू शो दिस, बहुत कम लोग जिनको ये चीज पता है। आई विल टेक फ्यू क्वेश्चंस बिकॉज माय माया विल टेक सम टाइम टू ऑन, देन चितल आई विल टेल यू टू शेयर दिस। तो हर एक जो ऑब्जेक्ट है तुम्हारा, वो दिखने के लिए कॉर्ड है, वो एनिमेशन के लिए कॉर्ड है, रेंडरिंग हो रहा है ट्रायंगल्स का ही, डोंट गेट कंफ्यूज, ओके? देयर इज नो समथिंग कॉल्ड एज क्वाड्स। Now, why triangles are used, not chords are used by the graphic card? Because triangle एक ऐसी ही चीज है जो तुमको हर टाइम promisable flat surface दे सकती है। Polygon या square, अगर आप एक square लोगे, एक vertex आगे पीछे करोगे, तो वो तुमको shading आना शुरू हो जाएगा एक, okay? Flat surface नहीं बना सकता वो। Triangle एक ऐसी चीज है जो तुमको हमेशा flat surface देगी, कोई भी point move करो, आपको flat ही surface मिलेगा। तो ये जो ट्रायंगुलेशन है, इसके वजह से जो लाइटिंग कैलकुलेशन होता है या जो शाइन, जो शेडिंग कैलकुलेशन होता है, ये सारा इजीली कर सकता है और ये परफेक्टली हो जाता है। दैट इज द रीजन व्हाई ट्रायंगल्स आर यूज्ड अ लॉट। चेतन, यू कैन शेयर माय स्क्रीन। यस, सो दिस इज अ पॉलीगॉन मॉडल, व्हाट यू कैन सी इफ आई गो इनटू वर्टेक्सेस, दिस इज स्टिल पॉलीगॉन, बट ये रेंडर ऐसा होगा नहीं। मैं अगर इसके शेप नोड में जाता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास अगर मैं इसको बोलूंगा ना डिस्प्ले टेस्टिलेशन, see this? So this is how it is going to get rendered. ये already है यहाँ पे, okay? So it is not कि ये render होने वाला है, इसको cut होगा और ये render होने वाला है। That is the main reason why ये सिर्फ चीज होता ही है कि यही चीज तुमको गेमिंग में, गेमिंग इज एन इंजिन, ओपन व्यू पोर्ट है वो, तो इसके लिए तुमको वो दिख के आता है गेम इंजिन में, और ये इसी के लिए गेमिंग में ट्राइंगल्स यूज करते हैं। और जो ट्राइंगल्स का बेस्ट पार्ट है, दैट इज अगर मैं कॉर्ड लेता हूँ, अगर मेरे पास एक कॉर्ड है सपोज, ओके, एंड इफ आई टेक अ ट्राइंगल, सो इफ आई हैव अ ट्राइंगल, नाउ इफ आई टेक दिस एंड इफ आई स्टार्ट मूविंग इट, दिख रहा है शेडिंग आना चालू हो जाता है इसके अंदर, दिख रहा है? ये इसमें पॉसिबल ही नहीं है। आप उसको जहां पे घुमाना है वहां पे घुमाओ, जहां से प्लेस करना है वहां पे, शेडिंग नहीं आएगा, ये फ्लैट सरफेस प्रॉमिस करेगा तुम्हें। तो लाइट को ये कैलकुलेशन करना आता है, लाइट यहाँ पे कंफ्यूज हो जाती है या शेडर्स तुम्हारे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ट्राई काउंट, ट्राइज एवरी टाइम दे आर यूज्ड ओवर हियर इन गेम्स। आई होप दिस सॉल्व्स योर क्वेरीज। सर, एक्सप्लेन मोर अबाउट
राहुल चौधरी एक्सप्लेन मोर अबाउट अनरैपिंग. सो अनरैपिंग इज अ प्रोसेस जहाँ पे हम लोग अनरैपिंग पे इनफैक्ट आई विल टेक अ मास्टर सेशन जहाँ पे विल टॉक अबाउट हाउ टू अनरैप ऑब्जेक्ट्स. बट अनरैप इज समथिंग लाइक अगर आपने मैकडॉनल्ड का बॉक्स देखा रहेगा तो बॉक्स ऐसा प्रिंटर में जाके बॉक्स का बॉक्स प्रिंट होके नहीं आता है. व्हाट हैपेंस इज उसको ओपन किया जाता है, वो प्रिंटर से प्रिंट होता है और फिर उसको असेंबल करते हैं. आपने देखा रहेगा वो चीज, डोमिनोज का बॉक्स देखो खुलता है पूरा, तो प्रिंटिंग के लिए होता है वैसा. ओके, तो सेम वही चीज हम लोग 3D में करते हैं. हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं पूरा 3D, उसको ओपन करते हैं, फिर वो उसको हम लोग लेके जाते हैं पेंटर में, फोटोशॉप में, वो 2D के ऊपर हम लोग टेक्सचर करते हैं. जो असेंबलिंग का काम है वो 3D Max खुद ही कर लेता है, या माया खुद ही कर लेता है, अनरियल भी खुद ही कर लेता है. ओके, सो दैट इज अ लिटिल बिट अबाउट अनरैपिंग. ओके, वन मोर क्वेश्चन रिगार्डिंग अनरैपिंग. अनरैपिंग द मॉडल इन 3D सॉफ्टवेयर और ऑटो अनरैपिंग इन द पेंटर, व्हिच बेटर? यस, सो देयर आर टू वेज टू इट. फर्स्ट, अगर तुम्हारा मॉडल एक ऐसा मॉडल है जो बहुत दूर से दिखने वाला और कुछ ज्यादा डिटेल्स नहीं है उसके अंदर, तुम्हारा आर्ट लीड ने बोला नहीं है तुमको कि यहाँ पे 2 आना चाहिए, यहाँ पे 3 आना चाहिए, और ये लाइंस यहाँ पे ऐसे कुछ लाइंस है जो लाइंस मुझे चाहिए, कुछ डिजाइन है उसके ऊपर, तो इट इज ऑलवेज बेटर टू यूज द मैनुअल अनरैपिंग मेथड. अगर तुम्हारे पास कोई दूर का ऑब्जेक्ट है, बहुत मतलब ऐसा स्टोन है एक जो बहुत दूर रखा हुआ है, या नजदीक भी स्टोन रखा हुआ है, रैंडम टेक्सचर है उसके ऊपर, देन आई वुड प्रिफर अनरैपिंग ऑटोमेटिकली बाय पेंटर और एनी सॉफ्टवेयर. 3D Max भी ऑटो अनरैप करता है. ओके, सो यू कैन यूज डिपेंडिंग अपॉन दैट सिनेरियो, यू कैन पिक व्हिच यू वांट टू गो फॉर. आई जस्ट ओके सर, यू रीड द क्वेश्चन. ओके, आई जस्ट कंप्लीटेड माय 12th. Want to know that what is the demand of being a 3D modeling artist? Can I pursue it as a full-time career if I want to be successful in my life? Okay, so Vipin, good that you are thinking about your career after completing 12th. There is very less people who actually think about your careers. See, game artist, modeling artist, asset designers, VFX artist, there is a huge demand for this. Okay, and believe me, it's not me who's speaking. You can Google it. You can see. Actually, you can. The best answer to your question would be if you go to studios. Like if you go and search for studio websites, there are a lot of websites like MPC. That's a studio that deals with a lot of movies, main Hollywood movies. If you see most of them, MPC does it. There are studios like Lakshya Digital. Okay, who does gaming? So the games, if you see Uncharted, World of Tanks, such kind of games, all of them are done, some part or most of the part is done by these guys. Sumo Digital is one of the game company. Ubisoft is one of the game company. Double Negative is one of the company who made Venom. Then there are a lot of companies. So if you go on these company websites and if you see in the opening or in the career option, you will see a lot of positions over there. Modeling artist, asset artist, texturing artist, animation artist, all of them are in high demand. The only thing is, it's not like your studies. So it is not like 2+2=1. 2+2=4, sorry. And it's not like, ye karoge to ye hoga. It is more of an art field. So learning it, executing it, and then, keeping it, the motivation is most important part here. Because I have seen a lot of people, they lose patience. They say, I am doing this for a long time now. Okay, and I know when I lost my patience, when I said, okay, nahi, abhi nahi karna hai ye cheez, ya ruk jate hai. Okay, toh ye cheez bahut aati hai is field mein. If you are ready with all of these things and you like doing art, then you start getting into this career. And definitely salaries, the way things are happening, specifically after COVID, everything is going on a very good pace. So definitely you can pursue this as a career and you can be successful. At least I am doing the same thing. For a long time, Chetal here is doing the same thing. You must have seen Amit also, he's also doing the same thing. There are like hundreds of students who are pursuing this as a career, who are coming and learning at our institution. So definitely you can get this as a full-time career. Okay, how to make texture of mossy Miadow in Substance Painter? Yeah, we'll cover that. So there is no texture funda. There is a lot of material like funda. So that I'll explain you how it works. So whenever I back high poly to on lower, I get some low mesh artifacts on models. Yes. So baking is always been a headache for everyone.
you need to learn that technique, what needs to do for baking. So what I'll do is, we will be having a webinar specifically on baking, what needs to do baking and how it needs to be baked. So सबको कैसा लगता है कि मैंने एक high poly बनाया, मैं अभी कितना भी low poly कर दूंगा ये bake हो जाएगा, नहीं होता है वैसा. So low poly bake करने के लिए, low poly भी उतना relevant होना चाहिए जो पूरा high poly का data ले पाए. तो वो समझना इंपॉर्टेंट है, वो जब आपको समझ में आ जाएगा द बेकिंग के आर्टिफैक्ट्स निकल जाएंगे. दूसरा मैं मेजर इंपॉर्टेंट है, बेकिंग के टाइम जो केज बनाते हो तुम, वो केज की सेटिंग्स प्रॉपर होनी चाहिए. और एक इसमें ये केजिंग में भी और एक जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज अगर कोई मैशेज एक साथ रहेंगे ना, जैसे रिसीवर है, जैसे यहाँ पे अगर मेरे मॉडल में तुमने देखा रहेगा एक रिसीवर था और एक रिसीवर किसी चीज के ऊपर रखा था, तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को अलग अलग बेक करूंगा, इसको अलग बेक करूंगा, इसको अलग बेक करूंगा, तो वो जो आर्टिफैक्ट्स है ना वो नहीं आते. Okay, so these are couple of reasons why artifact comes, and definitely in this in coming time I'll take a baking ke upar webinar also, which will solve a lot of questions of yours. Sir, can I use custom environment? Yes, you can use custom environments. You can get an HDRI. HDRI Heaven is a very good resource. It's a very good website where you can go download HDRIs. But use HDRIs. Don't use JPGs who are spherical. Okay, use HDRI so that the exposure settings is correct. So you can use that. Any other questions? Yes. Unreal Engine. Unreal Engine. Go ahead. 5 से topology की limitation हट जाएगी? नहीं, कभी नहीं हटेगी. Okay, वो जो nanite है ना, वो जो concept है, ये अच्छा है concept के लिए. मतलब मैं अगर एक PlayStation 5 के लिए गेम बना रहा हूँ तो सब बढ़िया है. Okay. बट मैं अगर कंप्यूटर के लिए गेम बनाऊंगा ना, तो मैं ये नैनाइट यूज नहीं कर सकता. ओके, बिकॉज उतना भले मैंने टोपोलॉजी कम ज्यादा करने के लिए कोड लिख दिया, पर वो उतना टोपोलॉजी अंडरस्टैंड टू करने के लिए प्रोसेसर चाहिए जो कम ज्यादा करेगा, गेटिंग इट. सो जब तक ये प्रोसेसर, जब तक लो लेवल के कंप्यूटर्स, जब तक ये मोबाइल फोन्स, इनके ऊपर गेम्स आने वाले हैं, तब तक ये कंसेप्ट यूज नहीं हो सकता. ये कंसेप्ट बहुत हाई लेवल पे यूज होगा, एंड अनरियल इज ऑलवेज बीन अ गेम चेंजर. तो ये आज का नहीं सोच रहा है, ये वो टाइम का सोच रहा है जब माइक्रोचिप करके कोई चीज बचेगी ही नहीं. मतलब एक ही चिप रहेगी जो सारी चीज में लग जाएगी, जैसे एप्पल कर रहा है अभी, है ना, कंप्यूटर के चिप्स मोबाइल में डाल रहा है, आईपैड में डाल रहा है. तो ये वो टाइम का अपग्रेड के लिए है. अभी ये बहुत नेसेंट स्टेज पे, अभी तक तो अनरियल 5 आया नहीं है, आने के बाद पता चलेगा क्या है, उसके बाद उसके भी बहुत सारे अलग अलग चीजें रहेंगी. सो टाइम है उस चीज के, बट ये हटेगा कभी ना कभी, तो हट सकता है. ओके, बट जिस दिन हटेगा उस दिन मॉडलर्स का थोड़ा सा, या एसेट आर्टिस्ट का ना थोड़ा सा डिमांड कम हो जाएगा. दैट इज व्हाट आई फील, ये नहीं आना चाहिए. या सो व्हाई मैक्स यूज मोर फॉर मेकिंग गेम एसेट्स देन माया? सो विकास, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मैक्स इज इट हैज ऑलवेज बीन अ बीम सॉफ्टवेयर. ओके, नाउ उसका जो डेरिवेशन है जहां से मैक्स बना था, That was from AutoCAD, CADCAM, ऐसे सब softwares से Max derive हुआ है. तो उसके अंदर जो सबसे पहला चीज, जो scaling है, real time, real world जो scaling है, वो बहुत precise है compared to any other softwares. बाकी सारे softwares में ये सारी चीजें होती है, but then वो तुमको कुछ चीजें करने के बाद, कोई plugins, कोई codes, इसके बाद होती है. दूसरा most important part है जो scan data होता है, जो point cloud data आता है, वो Max में बहुत precisely आता है. जो मैंने बहुत कम सॉफ्टवेयर देखे जिसके अंदर पॉइंट क्लाउड डेटा डायरेक्टली जाता है. तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेन रीजन. पॉइंट क्लाउड डेटा हम लोग गेम्स में बहुत यूज करते हैं, फोटोग्रामेट्री हम लोग यूज करते हैं, लाइडार स्कैन हम लोग यूज करते हैं, तो ये सारा डेटा सपोर्ट करता है मैक्स बहुत अच्छी तरीके से. तो इसके लिए मैक्स इज समथिंग विच इज यूज मोर इन गेमिंग्स. ओके, ऑल्सो देर आर अ लॉट ऑफ सॉफ्ट कंपनीज, जैसे गेम्स भी बहुत सारे, स्पेसिफिकली गॉड ऑफ वॉर जो गेम है ये पूरा माया में बना हुआ है. तो एग्जाम्पल्स है जिन्होंने माया यूज करके गेम्स बनाए, ऐसा नहीं कि नहीं होता, बट एक कैसा रहता है कि पाइपलाइन बन गई है. जैसे मैंने एक टायर बनाने के लिए मैंने एक थियरी बना दी है, पाव भाजी बनाने के लिए मैंने एक थियरी बना दी है. तो अभी पाव भाजी अलग अलग चीजों से बना सकते हो तुम. ओके, बट क्यों करना है जब बन रही है, टेस्टी बन रही है, तो क्यों करना है इसके लिए. सो पहले से मैक्स यूज हो रहा है, अभी भी लोग मैक्स यूज कर रहे हैं और लोगों ने पाइपलाइन सेट कर ली है. अभी चेंज करेंगे पाइपलाइन तो आर्टिस्ट नए करने पड़ेंगे, उनको ऑपरेट करना पड़ेगा, तो ये सब क्यों करना है, इसके लिए मैक्स इज समथिंग व्हिच इज यूज्ड मोर. ओके, आई थिंक वी कैन कवर मोर क्वेश्चंस. यस,
ऑल राइट, सो लेट्स जंप इन द सब्सटेंस एंड इट्स डन। तो अभी अगर देखोगे तो एक तो चीज है कि इसका एम्बिएंट ऑक्लूजन बहुत अच्छी तरीके से बेक किया है इसने, अगर देखोगे तो ये वेरी गुड। दिस यू गेट दीज सटल शैडोज एंड ओवर हियर ऑल्सो यू गेट दीज नाइस शैडोज ओवर हियर, ओके, एंड इट लुक्स लाइक अ क्वालिटी आउटपुट जस्ट जस्ट बाय बेकिंग, ओके। अब इसके आगे और देखते क्या होता है। तो अभी इसने किया क्या है मैं बताता हूँ। इसने जो मटीरियल्स है ना, ये मटीरियल्स के टेक्सचर सेटिंग में अगर आप जाओगे तो यहाँ पे तुमको दिखेगा कि इसने ये सारे टेक्सचर्स यहाँ पे अटैच कर दिया। मतलब अब ये मटेरियल है ना, इसको पता है इस ऑब्जेक्ट का थिकनेस क्या है, इसका पोजीशन कहाँ पे है, कौन सा अप है कौन सा डाउन है, ये इसको पता है। इसका कर्वेचर उसको पता है कि कहाँ कहाँ पे ये कर्वेचर है, ओके। इसको एम्बिएंट ऑक्लूजन पता है अभी, और इसको वर्ल्ड स्पेस नॉर्मल पता है। ये आईडी मैप जो है ना, ये मैंने बनाया, तो अब मैं यहाँ पे इसको असाइन करूंगा। तो अगर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे कुछ दिखाएगा नहीं, क्योंकि मैंने इम्पोर्ट किया नहीं है उसको। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले फाइल में जाता हूँ, इम्पोर्ट रिसोर्स पे क्लिक करता हूँ, एड रिसोर्स पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ से मैं ये आईडी मैप लेके आता हूँ। ये वेबिनार के अंदर ये दो आईडी मैप्स है मेरे पास, ये दोनों सिलेक्ट करता हूँ, आईडी वन एंड आईडी टू, और इसको ओपन करता हूँ। ये दोनों है क्या ये मुझे बताना पड़ेगा, नहीं तो ये इम्पोर्ट होगा नहीं। तो ये क्या है, ये है टेक्सचर और ये भी है टेक्सचर। ये दोनों को टेक्सचर टैग किया मैंने। इसको इम्पोर्ट कहाँ पे करना है ये भी मुझे उसको बताना है। तो मुझे इसको इम्पोर्ट करना है इन द प्रोजेक्ट। तो जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट फोल्डर में मैं इसको इम्पोर्ट करना चाहता हूँ। इम्पोर्ट दिस, ये आ गए दोनों, ओके। अब मुझे क्या करना है, ये जो बॉडी मटेरियल है ये नंबर वन है, तो मैं इसके अंदर ये सिलेक्ट आईडी मैप करता हूँ, ये वन इसमें सिलेक्ट कर देता हूँ, ये टू है इसको मैं टू में सिलेक्ट करता हूँ। डन, ये हो गया मेरा काम, और यहाँ से शुरू होती है अभी अपनी मटेरियल की जर्नी। अभी मुझे सबसे पहले क्या करना है, मेरे को चलो लेट्स टॉक अबाउट लेयर्स का, ओके। अब मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे स्मार्ट मटेरियल, अब मैं बाकी चीजें भी सिखाऊंगा, मैनुअल कैसे करते हैं वो भी हम लोग देखेंगे आने वाले सेशंस में। आई जस्ट वांट दिस टू बी वेरी इजी एंड वेरी डूएबल थिंग। तो सबसे पहले मुझे चाहिए कि लेट्स स्टार्ट विद द बिगर पोर्शन, दैट इज दिस पोर्शन, ओके। इसके ऊपर मुझे जो टेक्सचर है, दैट टेक्सचर इज मोर लाइक अ पेंटेड मेटल टेक्सचर, ओके। सो लेट्स डू दैट। तो यहाँ पे मैं स्मार्ट मटेरियल में जाके पेंटेड मेटल जैसा दिख रहा है वैसा मैं लेने का कोशिश करूंगा, ओके। मैं जूम कंट्रोल अप एंड कंट्रोल डाउन करके जूम इन जूम आउट कर सकता हूँ। ये देखो, ये प्लास्टिक ग्लॉसी है, ये मशीनरी है, देन आई हैव व्हाट यू हैव फैब्रिक्स है। तो जो भी तुमको मटेरियल चाहिए यहाँ पे स्मार्ट मटेरियल्स है। अगर अगर तुम्हारे पास ये मटेरियल्स नहीं है, सपोज तुम्हारे पास ऐसा कोई मटेरियल आ गया जो अरे मटेरियल में है ही नहीं, तो तुम क्या करो, सब्सटेंस शेयर में जाओ, ओके। सब्सटेंस शेयर में लाखों मटेरियल्स रखे हुए, ओके, विच यू कुड यूज, ओके। आई एम नॉट गेटिंग इन टू इट राइट नाउ, बट यू कैन गो इन टू सब्सटेंस शेयर, इट्स अ फ्री एंड यू कैन यूज इट व्हेनेवर यू वांट। तो अभी मुझे लगता है ये स्टील है और ये पेंटेड है, तो मैं ये वाला मटेरियल यहाँ पे ड्रैग करता हूँ, नथिंग मच। ये आ गया पेंटेड स्टील, पर ये मैंने किसमें किया है, ये मैंने इस ऑब्जेक्ट में किया, तो मैं यहाँ पे नहीं चाहिए, मुझे स्टैंड पे चाहिए, तो मैं ये स्टैंड में देता हूँ, ये स्टैंड पे आ जाएगा। आ गया, अब दिख रहा है, इसको पता चल गया कि कहाँ से स्टील खराब होगा, ओके, कहाँ से पेंट उड़ेगा, इसको सब पता है, एंड ही इज डूइंग इट राइट। अब ये फोटोशॉप में यही चीज करने के लिए मुझे मैन्युअली बैठ के पेंट करना पड़ेगा। अब ये क्यों पॉसिबल हुआ, बिकॉज ऑफ दीज मैप्स, ये मेरे मटेरियल को ये चीज पता है कहाँ पे करना है कहाँ पे नहीं। अभी लेट्स कम टू द मेन टॉपिक, ये जो ब्लू है ना, मुझे सिर्फ यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे तो मुझे ब्लू नहीं चाहिए, ओके। ये तो स्टील का है ही नहीं, ये तो कॉन्क्रीट का है, और ये है पेंटेड मेटल ब्लैक। तो व्हाट आई विल डू, सो मैं इसके ऊपर मास्क डाल सकता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास मास्क है, एड मास्क विद कलर सिलेक्शन, क्लिक दिस, ये तुमको मिल गया। अब यहाँ से पिक करो कहाँ पे डालना है तुमको, यहाँ पे डालना है, या फिर नॉट दिस, स्टैंड पे नहीं है, ये क्या हो गया, ओके, ये उल्टा हो गया शायद से, आई हैव, सो आई जस्ट रिप्लेस दिस, ये चेंज कर देता हूँ मैं, इसके जगह पे ये नहीं, ये है, ओके। अभी मैं ये पिक पे क्लिक करता हूँ, मेरे को यहाँ पे डालना है, तो ये पिक कर दो, ओके, नथिंग मच, एंड दिस शुड स्टार्ट वर्किंग। क्या हो गया इसको, व्हाट हैपेंड, ओके, आई जस्ट डिलीट दिस, आई थिंक सो, आई क्लिक ऑन टू समथिंग एंड समथिंग वेंट रियली बैड, आई जस्ट गो अहेड एंड दिस इज राइट, बॉडी है, आईडी पे आ गया है, ओके, सो बॉडी स्टेनलेस स्टील, दैट्स फाइन, आई विल जस्ट टेक दिस एंड अप्लाई इट अगेन ऑन द स्टैंड, सॉरी,
स्टैंड जाना चाहिए, ये आ गया. और आई विल गो इन हियर, एड अ मास्क से कलर सिलेक्शन एंड सेकंड क्यों दिखा रहा है. लेट्स क्लोज, या लेट्स अप्लाई दिस ओवर हियर. गॉट इट. तो ये सिर्फ और सिर्फ इसी पे आ गया. इसको मैं करता हूँ मटेरियल में लाइट्स, तो विल बी हियर ओनली. ये मैं बंद करके रख देता हूँ. अब मुझे चाहिए कि यहाँ पे कंक्रीट का मटेरियल चाहिए या फिर यहाँ पे मुझे स्टेनलेस स्टील चाहिए विच इज ब्लैक पेंटेड. तो लेट्स टेक दिस, एड इट ओवर हियर. ओके, ये आ गया. अब मुझे इसको सिर्फ इसी पे अप्लाई करना है. फाइन, अगेन मास्क, मास्क विद कलर सिलेक्शन. ये शायद कुछ प्रॉब्लम हुआ इसके साथ. आई जस्ट चेंज दिस, पिक कलर एंड आई वॉन्ट दिस टैग. आ गया, सिंपल. अब यही चीज तुमको फोटोशॉप में बोलूंगा करने के लिए कितना टाइम लगेगा, राइट? देखो हर एक चीज उसने सेट करके दिया है, कहाँ पे ये होगा, पूरा बेस बन के रेडी है. ओके, अब इसके लिए मुझे चाहिए कॉन्क्रीट. अभी कॉन्क्रीट का टेक्सचर तो मेरे पास है नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे शेयर पे जाते हैं. लेट्स सी मेरा अकाउंट. This works. Great. Now what I'll do is I'll just go for smart materials. और यहाँ पे देखो कितने smart materials हैं, मतलब 883 smart materials हैं सिर्फ. अब मुझे चाहिए I want is wood urban. Urban में देखते क्या है. Yes. So this is fire hydrant, chalkboard, concrete. Yeah. This is what I want. Painted concrete मिला तो और अच्छा है. ये कॉन्क्रीट, लेट्स टेक दिस कॉन्क्रीट एंड सी व्हाट हैपेंस. ओके, लेट्स टेक दिस. सो आई विल टेक दिस गाय. कुछ ज्यादा नहीं करना है, क्लिक करो और इसको डाउनलोड करो, ये आ जाएगा. ये हो गया डाउनलोड. ओके, इसके साथ मैं और कुछ कॉन्क्रीट्स लेता हूँ, तो मैं ये करके यहाँ पे सर्च करते हैं कॉन्क्रीट और कुछ मिला वो कॉन्क्रीट का. या दिस वॉज ऑल्सो नाइस. इसमें वेदरिंग भी है अपने पास, तो ये वेदरिंग भी सेट कर सकते हैं इसके ऊपर. लेट्स डाउनलोड दिस. तो ये आ गया कॉन्क्रीट. इसको करता हूँ ओपन, तो ये ऐसा आएगा, SBSAR. इसको मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ पहले तो. और सब्सटेंस में जाके नथिंग मच, फाइल इंपोर्ट रिसोर्स, सेम वही एड रिसोर्स, टेक दिस. अनडिफाइंड है, इसको बोलो इट इज अ जनरेटर, इट इज अ प्रोसीजरल, वॉट इट इज, फिल्टर, क्या है ये. ओके, तो ये बेस मटेरियल है बेसिकली. आई विल कीप इट एज अ बेस मटेरियल. और इसको भी मैं प्रोजेक्ट्स में इंपोर्ट करूंगा. से इंपोर्ट, ये आ जाए, ये पूरा बेस मटेरियल आ गया मेरे पास. अब इसको लेते हैं यहाँ पे. सो लेट्स क्लिक एंड ड्रैग इट ओवर हियर. ये आ गया. ओके, क्लियर, प्रीटी फास्ट. अभी इसको करते थोड़ा एडजस्ट. अब सबसे पहले मेरा जो कलर है, ये कलर मुझे ये नहीं चाहिए, दूसरा कलर है. तो मैं फोटोशॉप में जाता हूँ पहले तो. ये इमेज ओपन करते हैं, जो इसका रेफरेंस इमेज है. मैं ये रेफरेंस इमेज ओपन करता हूँ, जो मेरा मेन इमेज है ये. और मैं यहाँ से ना एक कलर पिक कर लेता हूँ. सो आई जस्ट गो एंड से पिक दिस कलर. आई फील दिस इज द ब्लू, सॉरी दिस इज द राइट ब्लू कलर. मैं इसको कॉपी करता हूँ उसके हेक्स कोड को. जाते हैं ये स्टेन स्टील का ओपन करते हैं इसको. और यहाँ पे देखो ये फिल कलर दिया हुआ है. ओके, तो ये फिल कलर जो है, इसके वजह से ये पूरा फिल हुआ है. तो ये जो रेड कलर है जो आ रहा है यहाँ पे, इट इज बिकॉज ऑफ दिस फिल. तो मैं यहाँ पे फिल में जाऊंगा एंड लेट्स गो डाउन एंड सी विच कलर इज फिलिंग. फिल ऑप्शन, या हियर इट इज. यहाँ पे जाता हूं मैं एंड आई जस्ट पेस्ट दैट हेक्स कोड. कहाँ पे गया, सेकंड, गो हियर एंड हेक्स का शायद और नए वर्जन में. फाइन, आई जस्ट सिलेक्ट द कलर विच आई वांट. आई विल गो इन हियर एंड आई चेंज इट टू आरजीबी एंड लेट्स टेक द ब्लू कलर विच वी वांट. ओके, सो दिस इज 0.2 है 0.3 रखता हूँ, 0.29 रखता हूँ, 9 ही रखते हैं. और ये मैं रखता हूँ 6.5. ओके, सो 0.2 एंड 0.7 करते. So I got this on one click, I got this color changed.
नाउ लेट्स से इफ आई वांट टू डू एनी डिटेल्स ओवर हियर, तो ये सारे डिटेल्स इसके अंदर आपको मिल जाएंगे। तो इसके अंदर ये पेंट का लेयर है जिससे पेंट आता है, ओके। फिर इसके ऊपर का जो मास्क का सेटिंग है, यू कैन डू द मास्क सेटिंग ऑल्सो ओवर हियर एज वेल, यू कैन डू द मेटल डिकैल्स, ये भी इतना कुछ है नहीं इसके अंदर, बेस मेटल यू हैव, सो हर एक चीज का सेटिंग यहाँ पे है, ओके। यू कुड जस्ट, यू जस्ट नीड टू गो हियर एंड चेंज इट। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका शाइन बहुत ज्यादा आ रहा है, मुझे इसका शाइन कम करना है, तो आई कैन गो हियर एंड यू कैन चेंज इट रफनेस, देख रहा है, एंड चेंज इट। ये मेटेलिक है, नॉन मेटेलिक है, तो ये नॉन मेटेलिक है या मेटेलिक है ये भी तुम सेट कर सकते हो। सिमिलरली इफ आई गो इन हियर आई कुड चेंज द मास्क एडिटर। अब ये मास्क एडिटर में तुमको क्या क्या मिलेगा देखो, जैसे इसके अंदर के गो डाउन 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 डाउन, यस आई हैव दीज एट्रीब्यूट्स, आई हैव दीज टेक्सचर्स, सो नाउ आई हैव टेक्सचर वन, इसको कम करता हूँ, देखो क्या हो रहा है, टेक्सचर वन का सेटिंग चेंज हो रहा है, सो देयर इज टेक्सचर वन इन दिस, ओके। देन टेक्सचर टू इज देयर, और मुझे इसको ग्रंज करना है तो, ओके। एम्बिएंट ऑक्लूजन मुझे यहाँ पे यूज करना है, तो ये भी यूज होगा। मुझे कर्वेचर के साथ कोई चीजें करनी है, दिख रहा है, तो ऑन अ क्लिक मैं इसका चीजें चेंज कर पा रहा हूँ, ओके। देन आई हैव पोजिशन ग्रेडियंसी, दिख रहा है, अब इसको पता चल रहा है कि कहाँ से मुझे इसको खराब करना है। तो यूजुअली अगर बारिश और ये सब गिर रहा है तो यहाँ पे कलर बहुत सही रहेगा, यहाँ पे कलर थोड़ा वॉश आउट हो जाएगा, तो वो सारी चीजें तुम यहाँ पे कर सकते हो। देन यू हैव हिस्टोग्राम पोजिशन, यू कैन चेंज दैट, द लेवल सिस्टम यू कैन चेंज इट, बट आई फील कि ये जो टेक्सचर है ना, ये जो मटीरियल है, इट्स नॉट दैट गुड, सो आई कैन जस्ट गो अहेड एंड डिलीट दिस एनी टाइम आई वॉन्ट, ओके, डिलीट कर दो इसको, और इसके जगह पे लेट्स टेक समथिंग एल्स, तो आई प्रिफर दिस वन, ये लेते हैं, ये मैं ऐड कर देता हूँ। इसके अंदर भी सेम वही करूंगा मैं, आई जस्ट गो अहेड एंड ऐड अ कलर सिलेक्शन मास्क एंड जस्ट सिलेक्ट द सेकंड वन, पिक दिस एंड हियर यू गो, ओके। ये बहुत सही लग रहा है, ओके। अब इसके अंदर भी देखो बहुत सारी चेंजेस तुमको मिलेंगे, तो एक तो तुम्हारे पास इसका कलर, तो लेट्स चेंज द कलर, तो बेस कलर जो है आई विल चेंज इट टू 0.2 and 0.7. I got this blue color and this looks pretty nice. Okay, पर ये बहुत जो texture है बहुत खराब दिख रहा है, तो मेरे को इसको change करना है। तो ये हो गया मेरा color, अभी आते हैं dirt के ऊपर। तो इसका dirt का कितना रखना है, mask editor में चले जाओ dirt के and start changing it. तो अभी मेरे को dirt रखना है, I'll just go down here, see the texture one dirt का, ओके, टेक्सचर टू है डर्ट का, ओके, लेट्स सी डर्ट क्या चेंज कर रहा है, नथिंग मच इज चेंजिंग, कर्वेचर, देन ये एक्चुअली पोजीशन पे ज्यादा काम करेगा, पोजीशन देख रहा है, पोजीशन की वजह से वो नीचे नीचे उतरना चालू हो जाता है। देन आई हैव ब्लर ऑल्सो, आई हैव सो मेनी ऑप्शन, डर्ट पे आते हैं, डर्ट के बाद डस्ट पे आते हैं, लेट्स सी डस्ट में क्या क्या ऑप्शन है, दिस इज द डस्ट, आई विल टेक द डस्ट लेवल, आई कैन इंक्रीज इट, डिक्रीज इट, कितना डस्ट चाहिए, और दिख रहा है ये खुद उसको पता चल रहा है कि डस्ट ऊपर से नीचे आएगी या डस्ट अंदर रहेगी, डस्ट यहाँ पे रहेगी, तो दिस इज ऑल हैपनिंग बिकॉज ऑफ द मैप्स विच वी हैव मेड। रस्ट है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस विद द रस्ट, ये बहुत ज्यादा रस्टी लग रहा है मुझे, तो आई कैन गो इन टू द रस्ट मैप एडिट मास्क एडिटर, और इसको अभी चेंज करते हैं, इसका जो रस्ट का बैलेंस जो है मैं कम करता हूँ, ओके, इसका कॉन्ट्रास्ट इज देयर, ये रस्ट का इंक्रीज दिख रहा है, पूरा रस्टी होना चालू हो गया, तो ये लेवल वन रस्ट है, लेवल टू रस्ट भी रहेगी नीचे, या इसको मैं करता हूँ कम, बढ़ाता हूँ, ये मेरे को सही लग रहा है, लुक्स क्वाइट गुड, ओके। सिमिलरली I could start building stuff over this. अब मुझे ऐसा लग रहा है ये बहुत shine कर रहा है, इतना shine नहीं होना चाहिए, okay? So I could go into the metal base और इसका जो shininess है ये roughness है basically. तो इसको बढ़ाओ, ये rough होना चालू हो जाएगा, okay? ये metal metallic है but पूरा भी metallic नहीं है क्योंकि ये metal के ऊपर ही paint किया गया, तो इसका जो roughness है मैं इसको थोड़ा shiny रखता हूँ, थोड़ा सा shine रहेगा इसके ऊपर, और ये जो metallic है इसको मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ, थोड़ा metallic property भी आ जाएगी इसके अंदर, this is what it looks like now, okay? Now what I also want to do is, मुझे ना इसके ऊपर ये कुछ flakes निकालने हैं, okay? So what I'll do,
सो आई विल जस्ट गो इनटू दिस, इसके ऊपर मैं और एक लेयर बना दूंगा. सो आई कैन टेक टेक दिस एम्प्टी लेयर फॉर इंस्टेंस, और मैं इसके ऊपर एक फिल कर देता हूँ. सो आई जस्ट गो एंड से ऐड फिल लेयर, फिल लेयर ऐड हो जाएगा इसके ऊपर. ओके सॉरी, फिल लेयर आई ऐड. अब इसके ऊपर मैंने व्हाइट कलर जस्ट प्लेन ऐड किया है, और ये मुझे जो स्क्रैचेस है ये मुझे चाहिए, ये एक्चुअली शाइन करेंगे और मेटेलिक रहेंगे, तो ये मेटल की प्रॉपर्टीज देता हूँ उसको. अब बोलता हूँ आई वॉन्ट टू हैव अ स्मार्ट मास्क ऑन इट, तो मैं ये स्मार्ट मास्क में जाता हूँ, और ये दुनिया भर के मास्क यहाँ पे रखे हुए हैं. अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको बनाना है पेंट ओल्ड मॉसी. देखो मॉस यहाँ पे तुम बना सकते हो, मॉस इज ऑल्सो देयर. ओके आई शो यू, सो वील यूज दीज मास्क एंड वील चेक हाउ वी कैन डू कलर ऑफ थिंग्स. डर्ट्स एंड लीक्स है मेरे पास, देन डर्ट कैविटीज है मेरे पास. लेट्स टेक दिस, मैं ये मास्क इसके ऊपर ले लेता हूँ. नथिंग मच टू डू, दिख रहा है क्या हुआ. ओके नाउ आई कैन डू सेटिंग्स ऑल्सो ऑन दिस. तो मैं मास्क में जाता हूँ और यहाँ पे मैं इसकी सेटिंग्स कर सकता हूँ. सेटिंग्स इज लेवल कितना चाहिए मुझे, कम चाहिए, बहुत ज़्यादा चाहिए. ओके तो ये मैं सेटिंग कर सकता हूँ. कॉन्ट्रास्ट शार्पनेस कितना चाहिए उसका बेसिकली. देन ग्रंज, बहुत ज़्यादा ग्रंज चाहिए या कम ग्रंज चाहिए. ओके तो दिस इज ऑल इज वॉट यू कैन सेट ऑन रियल टाइम. तो दिस, तो ये पेंट निकलता हुआ दिख रहा है मुझे, क्या पेंट निकल रहा है सब जगह से. ओके और एल्स चलो ये मुझे मास्क नहीं चाहिए, मुझे कोई दूसरा मास्क चाहिए. ओके सो आई कैन जस्ट टेक दिस एंड आई कैन डिलीट द मास्क. सो आई कैन से रिमूव मास्क, ये मास्क चला जाएगा. मुझे मॉस बनाना है, चलो तो मैं मॉस का मास्क डाल देता हूँ. तो ये मॉस बनाना चालू करेगा. ओके अब ये मॉस का कलर आई नीड टू चेंज, सो गो एंड चेंज द मॉस का कलर. आई सपोज इट शुड बी समथिंग लाइक अ ग्रीनिश टोन. I'll go for dark greenish, थोड़ा yellowish, leafy green. Okay. And oh, sorry, fill में change करना था. Take this maybe dark leafy green. And ये moss का mask है मेरे पास. Okay. Now इसका जो roughness है, moss है तो roughness ज़्यादा रहेगा, shine करेगा नहीं वो, और metallic कुछ होगा नहीं. Sorry. रफनेस ज़्यादा रहेगा और मेटलनेस कुछ रहेगा नहीं. आई लुक लाइक दिस. ओके ओके आई कैन ऑल्सो चेंज दी हाइट से दिस. तो मुझे अगर नॉर्मल मैप ऐड करना है उसमें ये हाइट चेंज कर दो, नॉर्मल मैप आ जाएगा इसके अंदर. ओके एंड नाउ आई कुड जस्ट गो हेड अप इन टू द मास्क एंड आई कुड ट्वीक द मास्क ओवर हियर. ओके तो ये मास्क में चले जाओ एंड आई कैन ट्वीक थिंग्स ओवर हियर. तो लेवल कितना चाहिए मास्क का, बहुत ज़्यादा चाहिए, कम चाहिए, कुछ स्पेसिफाइड फ्रॉम हियर. ओके अब मैंने इसके अंदर टेक्सचर डाला नहीं है. I can also take texture over here. I can also take materials over here and add this mask also. So for now, if I delete this and I go to the smart material and I say I want something to do with the fabric hai, ya fir camouflage hai, ya rust hai, dust hai, whichever you would want, you could take it. Okay. So for an instance, I'll take this. I'll take. ब्रॉन्स नहीं, या आई कुड टेक मटीरियल्स ऑल्सो. मटीरियल्स में भी बहुत सारे मटीरियल्स तुमको मिलेंगे. ओके या फिर अगर तुम्हारे पास नहीं है सो सब्सटेंस शेयर इज द बेस्ट ऑप्शन. तो यहाँ पे जाके मैं डालता हूँ मॉस. ये तुमको मॉस के आ गए टेक्सचर्स. ओके तो ये एक है मेरे पास, लेट्स टेक दिस. और दिस ऑल्सो लुक्स नाइस, आई कैन टेक दिस. चलो मॉसी स्टोन. ओके और ये मॉसी स्टोन है, आई वॉन्ट दिस ओनली मॉस. I'll take this moss. Yeah, this looks nice. Download करो इसको. ये आ जाएगा. Ground moss. Meanwhile, this is downloading. We'll see something else. Similarly, इसका जो floor है, I want to texture it something else. So let's go into this. And इसके अंदर भी तुमको इसके अंदर ही तुमको कलर्स और ये सारे मिल जाएंगे चीज़ें. तो मैं पेंट लेयर में जाता हूँ, डिफ्यूज में जाता हूँ. ये जो ये है इसको मैं करता हूँ थोड़ा ग्रेश. द पेंट इज लाइक ग्रे एंड ब्लैक, सो आई कीप इट लाइक ग्रेश एंड आई कीप इट फुल ब्लैक. ओके तो ऐसा कुछ कलर है इसके ऊपर. देन इसका जो टाइलिंग है, मुझे टाइलिंग भी इसके थोड़े बढ़ाने हैं. सो लेट्स सी व्हाई टाइलिंग इज नॉट गेटिंग इंक्रीज्ड. यहाँ पे टाइलिंग है, मैं इसको जो स्केल है इसको करता हूँ 2x2, या ये दोनों लॉक्ड रहेगा.
बाहर निकालते हैं। ओके सो ये 2 हो जाएगा टाइलिंग, मैं इसको 6 तो 4 कर सकता हूं, गेट 4 और आई से इज फाइन, नाउ 1 इज ओनली फाइन, चलो नो वरीज। ओके आई विल गो डाउन, आई हैव कंक्रीट लेयर। ओके ये कंक्रीट लेयर के सारे ऑप्शन, ये ब्लेंड के मास्क है, तो मैं लेवल वो कंक्रीट कितना तोड़ रहा है, क्या करना है, सारा चीज यहाँ पे मैं कर सकता हूँ। देखो ये कंक्रीट थोड़ा सा टूटा हुआ बना रहा हूँ मैं, आई डोंट वांट इट टू ब्रेक अ लॉट। ओके देन कंट्रास्ट, ग्रंज, ग्रंज कितना चाहिए, कम ज्यादा यू कैन चेंज द ग्रंज आल्सो, एंड यू हैव एओ, यू हैव ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर देयर। ओके सो इट्स टेकिंग सम टाइम टू लोड, दिख रहा है, ये बता रहा है कि ये सेट करने के लिए मुझे टाइम लगेगा। So this is the most simplest tool what I felt was available, okay, and it can do a lot of things, okay. Now, in fact, I could also do is take the moss texture now what we had downloaded. I'll just go and take this, cut this thing on the desktop in our folder, add it here, extract, and here we have this. और ये इसका SVS SAR है, इसको copy करूँगा, painter में जाऊँगा, file, import, resources. And I could just say add source, take this ground moss, and what is it, base material, and I want it in the project, say import, ye aa gaya. Ab main isko I can put it on the top of everything, ye aa gaya moss iske upar. Ab ye moss ka mask kaise banega, that I need to take a call. Ab iske liye go to the smart mask, aur ab ye ground dirt chahiye tumko ya moss, wo smart material dal, aa gaya. Make sense? और ये मास्क को अगर एड सिलेक्ट करोगे तुम तो इसका लेवल एंड एवरीथिंग यू पुट एट दिस, इसका लेवल कितना रखना है, कितना ज़्यादा रखना है, इसका हाइट कितना होना चाहिए, ये सारी सेटिंग्स तुम यहाँ से सेट कर सकते हो। ओके स्क्रैचेस, सॉरी स्कैटर, ओके देन यू हैव grunge, okay, so all of these things you have it over here to use. So all in all, this is what the whole thing is about, and this is how you can paint by using substance. Abhi mujhe agar iske upar kuch hand built cheeze karni hai, hand paint karna hai kuch bhi, I can still do that also. To mere ko sirf yahan pe ek paint layer lena padega, nothing else. To agar main add paint layer karta hu, ye paint layer aa jayega, and now I have this whole brush settings which I can go through. तो जैसे मुझे क्या इससे ऊपर पेंट करना है, ये सारा चीजें यहाँ पे है, एंड नाउ व्हाट यू कैन डू इज यू कैन बाय यूज ऑफ ऑल ऑफ दीज थिंग्स यू कुड स्टार्ट पेंटिंग ऑन दी थिंग, बट आई जस्ट यूज अ डिफरेंट लेयर फॉर दिस आई गेस, क्योंकि ये यहाँ पे करूंगा मैं एड पेंट लेयर, सेलेक्ट दिस, or I'll just duplicate this layer, move it out, ये सब mask और ये सब हटा देता हूँ, इसमें से हटा देता हूँ, और ये भी remove mask कर देता हूँ, remove mask, okay, and this I will go ahead and say add a paint layer, and I could just start painting over it. तो जो भी तुमको paint करना है, you can directly paint it, and there are a lot of brushes which you could use, okay, तो जैसा brush use करोगे वैसा तुमको effect मिलेगा. That all thing is there, and for the best part, you can also paint materials. So, if I have material paint, then I can material bhi paint. So, select the material and paint. Ye dekho, material paint ho raha hai. Directly painting material. And ye jo 3D painting ka jo cheez hai, that is literally crazy. Jaisa tumko paint karna hai, go ahead. Sab kuch metalness, roughness, sab kuch ek saath paint ho raha hai. So, everything can be done over here like this. Okay. This now similarly once this is done, you can export the textures. There is nothing much to do, just export textures pe click karo and you get all the options. To jo setting ke upar rakha hai wahi setting ke upar ye pura ka pura export ho jayega, jahan pe aapko export karna hai wahan pe, and output template bhi set kar sakte ho. एक्सपोर्ट का लिस्ट देखना है तो वो भी देख सकते हो, कितने टेक्सचर्स आएंगे, कैसे आएंगे, कौन से अलग मैप्स आएंगे, ये सारा चीज़ें यहाँ पे बनाई हुई है. तो एक्सपोर्ट करोगे तो ये एक्सपोर्ट कर देगा, एंड देन यू कैन यूज द टेक्सचर्स.
any other question? So I suppose this is something which is good for worth trying once. So jisko bhi texturing mein interest hai and you want to, you know, move ahead in the texturing by using Painter and all, this is something like a very good tool which you could go ahead and start working on. Okay, so I think so this is something which we'll stop for now at. This might have given you a very clear view about Substance and how everything is there in Substance and how you can work across all of these things. Okay, so for now you can just try this out once, give it a try, see how things work. I'll be having one advanced session for this, jiske andar yahi phone booth lenge aur isko properly texture kaise karna hai, kaise layer systems banane hai, everything we can get into the details of. So Chetal, hello. Yes. Yeah. So I hope. Yes. Everything got sorted. If any more queries, anything, please write down, and we'll definitely share with you the relevant answers or anything you need. After the webinar, also we look into the comment section. So, agar tumhare paas koi comments hai, kuch specific cheez jaanni hai, we can surely talk about. Email ID I have shared across. So any relevant questions you have, anything what you want specifically on, we can definitely work around that. Yes. So few questions, maybe we can answer. Sure. Is it true that in future AI will replace 3D artist? Dipin, this is like a lot of time. Whenever I go to public forums, this is the question what people ask. AI is not going to replace only 3D artists. AI will be replacing the whole world. Like cars are going to be with AI. Okay, your day-to-day things are going to be with AI. I use Alexa a lot. Whatever I have, all my things are on Alexa. In fact, my office lights are also on Alexa. So yes. AI definitely is going to rule, and not only 3D artists. So don't AI ka ek part hai na ki AI humans ke bina kaam nahi kar sakta. Abhi aane wale time mein kya pata? तो अभी का तो बोल सकता हूँ कि AI without human feeding of data, AI can't do anything. So future में हो सकता है, but 3D artist का काम artist ही कर सकता है. AI ज़्यादा से ज़्यादा help कर सकता है artist को, aid कर सकता है चीज़ें करने में. AI बैठ के कोई character design नहीं कर सकता. So अगर वो आ भी गया ना, तो भी वो दिख के आएगा, एक artist का काम और एक AI based काम. वो आज भी दिख के आता है, तो वैसे ही ये दिख के आएगा. Request, please make a webinar on unwrapping. Definitely. So next webinar from me will be on unwrap. That is for sure. And it'll be coming somewhere around after 15-20 days. Maybe after two webinars, we'll keep on unwrapping a webinar. I also want to spread some knowledge on unwrap. There's a lot of confusion among students and all of them. So definitely, we'll keep a unwrapping session on that. Okay, so I think there are no more questions regarding these things. So, सब लोगों से वही है कि अगर आपको कुछ भी ऐसा कुछ पूछना है, तो as Vishal told you that कि आप लोग comment section में डाल सकते हैं, we will definitely answer your questions. और वही है. So आज का webinar जो master class था, वो काफी अच्छा रहा. And we are looking for part two. Yeah, yeah, definitely. Part two is going to come. First the unwrapping, and then part two, jahan pe I'll be taking it all throughout. And ek acha proper wo phone booth jaisa image mein dikh raha hai, waisa hum log texture karke dekhenge. Sure. Okay. All right. So guys, okay. Time to leave. Thank you for joining us. Bye-bye. Bye.